أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم ادله فاتقوا إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاث ألن يكفيكم أن ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة

الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملا بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين

يلدكم ربكم بخمسة آلاف من البلائكة بخمسة آلاف من البلائكة आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे आज सत्रह रमज़ान है सत्रह रमज़ान की जब भी बात होती है गजवाए बदर के हवाले से गुफ्तु की जाती है अगर गजवाए बदर को हम कहें कि योमकान है आ, तो बिल्कुल सही है बिकॉज़ योल फुरुान से मुराद हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन है गजवा बदर इस्लाम का सबसे पहला अजीमशान मार्क है जब हम योम फुरकान की बात करते हैं तो इस जंग में वो कफ़ार वो सरदार जो शुजात और बहादुरी का निशान समझे जाते थे जिनको बहुत नाज था अपनी बहादुरी पे, जिनको बहुत घमंड था कि वो हर जगह जो है वो हुकूमत कर सकते हैं तो कफ़ार ये लोग आज के दिन यानी कि सत्रह रमज़ान को उनको शिकस्त हुई और ये तमाम कुफार जो हैं वो जहनुम का ईंधन बने योम फ़ुर्कान हमें आज भी हक और बातिल में फ़र्क करने का दर्ज देता है हमें आज भी बहुत सारी चीज चीज़ें सिखाता है समझने की कोशिश है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हम कई बार नारे लगा रहे होते हैं हक और बातिल के लेकिन बातिल की सफ़ में ही खड़े हो जाते हैं बड़े नहीं वेमा कराम यहाँ पर आएंगे तो उनसे ज़रा तफसीला आज हम आज के दिन के हवाले से सत्रह रमज़ान के हवाले से ज़रूर बात करेंगे आ, हमारे आज के प्रोग्राम में भी बहुत सारे इनामात हैं और इनामात के साथ साथ हमारे मेहमान भी होते हैं खाना भी पकाया जाता है आप लोगों तक इनाम भी पहुँचाए जाते हैं सो so, सब से पहले वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा फोटाइल का शुक्रिया अदा करूँगा खाले स्वीट्स पंजनत बाय जे डॉट हरबीआन ए मॉल uh, सब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा और ओजी डेवलपर्स का खास तौर से हम शुक्रिया अदा करेंगे बिकॉज़ जो हमारे विनर्स होंगे ओजी uh, डेवलपर्स की जानब से एल लैपटॉप और बाइक वो जीत के जाएंगे यहाँ पर सो uh, so, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राइजिंग बियॉन्ड ओजी डेवलपर्स का कहना है और uh, मेरे साथ अभी थोड़ी देर में Uh, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम uh, जो लोग uh, इंसानी खदमत में मसरूफ़ हैं uh, उनको आपके सामने लेकर कर आए बिकॉज हालात आप सबके सामने हैं हम सब ने मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करना है हम सब ने मिल के एक दूसरे का साथ देना है लेकिन एक बड़ी ऑफ ट्रैक बात ऑन ईयर कह रहा हूँ uh, मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे जितने भी फैंस हैं uh, आप लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं आप लोग बड़ा साथ देते हैं थैंक यू सो मच आप सबका माशाल्लाह माशाल्लाह आज मैं जब घर से निकला तो मैं यही सोच रहा था कि आज सत्रह रमज़ान हो गया और अभी मुझे लगता है कि हम कल आके सारे जमा हुए और आज सत्रह दिन गुज़र गए तो वक्त गुजर जाता है और गुज़रता चला जाता है लेकिन हमें अपने अपने किरदार बीच में बड़े सही तरीके से अदा करने हैं हम हर रोज़ हर दिन यही बात कर रहे हैं कि अगर आवाज़ उठानी है तो हक़ के लिए उठाएं, अगर बात करनी है तो हक सच के लिए बात करें ये खाम खां जो इधर उधर आपको भटका दिया जाता है उन चीज़ों में अपने आप को मत फंसाएँ खाम खां जो एक वावेला मचाया जाता है या जो एक ट्रेंड चला दिया जाता है उस ट्रेंड के पीछे मत भागा करें लोगों को बुरा भला कहना छोड़ दें अपने आप को सही करते हैं दोस्त अपने आप को सही करने के लिए अपने आप को संभालने के लिए ये ज़िंदगी बहुत कम है एनी वे छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं जी जब आप किसी मरीज़ को ले हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो इसी उम्मीद के साथ जा रहे होते हैं कि डॉक्टर्स उसे बचा लेंगे और कई दफ़ा वहाँ पे जिस कंडीशन में वो मरीज़ होता है उसकी दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है एक एक आम लोगों के लिए उतना ख़र्चा करना आम लोगों के लिए क्या एक आदमी अगर कोई बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहा है तो कई दफ़ा ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत बहुत महंगी दवाइयाँ जो हैं वो भी मौजूद होती हैं ये बासी शहीद हॉस्पिटल में होप्स उन्नीस सौ पचानवे से काम कर रहा है और ये स्टूडेंट्स हैं मज़े की बात ये देखें कि स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिल के फॉर्म किया इस आ, अपना होप्स को और ऑर्गेनाइजेशन है सर्टिफाइड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के जो स्टूडेंट्स हैं वो मिल चला रहे हैं तो आई थिंक इट्स इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब और हमारे साथ यहाँ पे आ, मिस निहाल निहाल आमना है वाइस प्रेसिडेंट होप्स फार्मेसी मिस्टर अमार इसहाक हैं प्रेसिडेंट होप्स आप दोनों को मैं खुशावदेद कहता हूँ mm -hmm. ऑब्वियसली देखें देखने के बाद तो समझ आ जाता है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आप लोगों के बड़ी क्लियर है पिक्चर कि जो लोग वहाँ पे आते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है आप देन एंड देर उन लोगों को वहाँ पे सपोर्ट करते हैं बिल्कुल देखिए हमारा जो वहां वहाँ एक ड्रग बैंक के नाम से रूप फोर्टी के नाम से एक जगह मशहूर है नाइनटीन से वो हमारा ये काम चल रहा है हमारे पास पेशेंट्स आते हैं लाइन में लगते हैं उनसे हम उनकी फ़ाइल लेते हैं और ज़क़ात और डोनेशन में उनकी काउंसलिंग करते हैं जो बंदा ज़क़ात के लिए एलिजिबल होता है उसको हम ज़क़ात पे अद्वियात देते हैं उनके बेड तक ख़ुद पहुँचा के आते हैं बस उनको यहाँ पे सिर्फ मतलब तो फॉर्म भरना होता है दैन इज़्ज़त और तक्रीम के साथ उनके बेड तक तमाम अद्वियात न सिर्फ अद्वियात बल्कि टेस्ट और जो सर्जिकल सप्लाई है वो भी पहुँचाते हैं तो हमारा जो डेली का जो एक्सपेंस है वो डेढ़ लाख से दो लाख के दरमियान है और क्योंकि अब के अंदर ज़रूरियात बढ़ती जा रही है मरीज़ों का जो है वो रश बढ़ता जा रहा है तो हमारी जो एक्सपेंस है वो वो भी बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं तो लास्ट ईयर हमारी जो जकवात कैंपेन थी वो जो है तकरीबन तीन करोड़ तक की थी लेकिन हमारा जो एक्सपेंस हुआ है इस साल वो चार करोड़ से ऊपर का हुआ है चार करोड़ अस्सी लाख तक हुआ है तो इस साल चूंकि हमारा एक्सपेंस भी जा रहा है हमारी कैंपेन इस से तो रन हो रही है तो हम चाहते हैं कि खैर था गवर्नमेंट हॉस्पिटल जी के के अंडर आता है लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है वहाँ पर मैं जैसे आपको बता रहा था कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो दो में डिवाइडेड है एक है फिल्म यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट और एक है हमारी नो प्रॉफिट डॉलर्स फिलम में हमारे पास ये आता है ड्रग बैंक आता है जिसके अंदर हम ये चीज़ें दे रहे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी दवाइयाँ और ये इलाज जो है थोड़ा महंगा होता है जी हाँ देखिए कुछ गवर्नमेंट जो है वो फंड कर लेती है लेकिन कुछ ऐसे अद्वात होती हैं जो पेशेंट को ख़ुद खरीदनी होती है अच्छा। वो उनके हैसियत के नहीं होती उनके इस्ताद में नहीं होते तो यहाँ आके होप्स उनको सपोर्ट करता है अच्छा अच्छा जैसे सी टी स्कैन हो गया एम आर आई हो गया उसकी फैसिलिटीज कभी नहीं होती के अंदर और अबासी में नहीं है अच्छा तो हम इसमें भी करते हैं और हमारा एक प्रोजेक्ट है रेडियोलॉजी प्रोजेक्ट जिसके अंदर सी टी स्कैन एम आर आई और uh, बारे में डॉक्टर बताएंगे हमारा ड्रग बैंक फॉर्म हुआ जिसमें हम जक़ात डोनेशन पे पेशेंट्स को तो कैटर कर रहे थे ये वो तबका था जो कि शायद बेसिक भी अपनी जो है पूरी नहीं कर पा रहा था बट इसी અન્ના હમે એક મેજર ચંક કો જો હે ના વો હમ ઇગનોર કર રહે تھے جسમે હમારે પાસ વ્હાઇટ કોલર અફરાઝ आते Hain જિનકા યે હોતા હે કે હમ મેડિસિન્સ કો સે અપની ફેસિલિટેટ કર સકતે હે બટ ડોનેશન zakat હમ પ્રેફર નહીં કરેંગે તો ઉનકે લિયે હમલે અપની તીન ફાર્મસીસ અલહમ્દુલ્illah જો હે વો કાયમ કી હે જો કે એક હમારે પાસ અબ્બાસી શહીદ મે હે એક કરાચી ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ હાર્ટ ડિસીઝ મે હે ઓર એક ડેન્ટલ ફાર્મસી ઇસકા જો મેજર લાઈક બેસ હે મકસદ હે વો યે હોતા હે નો પ્રોફિટ નો લોસ લાઈક મેરે પાસ અગર કોઈ મેડિસિન્સ ડિસ્કાઉન્ટેડ પ્રાઈસ મે આ રહી હે तो सिर्फ उसमें थोड़ी सी परसेंटेज जो कि फार्मेसी को कैटर करने के लिए उसकी एक्सपेंसेस के लिए है, सिर्फ वो रखकर जितना भी हमारे पास डिस्काउंट आता है वो हम सब पेशेंट वेलफेयर पर पे लगाते हैं अच्छा। इसकी एक एग्जाम्पल मैं दूंगी हमारे पास एक इंजेक्शन है जेनेरिक उसका होता है मीरोपेनम जो कि बहुत ज़्यादा वास्टली यूज़ हो रहा होता है हॉस्पिटल्स में तो उसकी जो एम होती है ना वो हमारे पास थ्री थाउजेंड है मार्केट में अगर हम जाकर देखें तो वो थ्री थाउजेंड की हमारे पास सेल होती है लेकिन मेरी फार्मेसी में अलहमदिल्ला वो वो ट्वेंटी वन हंड्रेड एंड फिफ्टी का एक वाइल हमारे पास होता है ये मेडिसन जो होती हैं पेशेंट के एडमिशन से लेके उसके डिस्चार्ज तक की जो होती हैं ड्रग बैंक के थ्रू हम कैटर कर रहे होते हैं जिकार डोनेशन पर और फार्मेसी से जो है हम मेजरली जो है वो थर्टी से लेकर सेवेंटी डिस्काउंटेड प्राइस में जो है हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसी तरह हमारे एक डायग्नोस्टिक सेटअप है जिसमें हम 260 टेस्ट कर रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट मशीज है हमारे पास आ, हमने 2015 हज़ार पंद्रह में इनिशिएटिव लिया था दो डिपार्टमेंट से उसके बाद लेकिन दो में हमने मजदीद डिपार्टमेंट ऐड किया माइक्रोबायलॉजी पैरासाइटोलॉजी सीरोलॉजी तो उसमें हमारी जो आ, जो हमारा कन्सेप्ट था वो ये था कि नो प्रॉफिट नो लॉस वहाँ पर हमने पाँच साल तक सी आपने सी कभी करवाया होगा सी बी सी तक का किया है विद क्वालिटी अभी चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है दो हज़ार बाईस के अंदर तो हमें मजबूर हमें ढाई सौ तक करना पड़ा और हमारे पास जो माइक्रोबायलोजी है वहाँ पर हमारे कंसल्टेंट माइक्रोबाइलोजी मौजूद है वो जो डिपार्टमेंट है उस पर स्टेट ऑफ आर्ट मशीन रखी हुई है लेकिन जो हम ब्लड सैस कर रहे होते हैं वो साढ़े बारह सौ का कर रहे होते हैं और वही टेस्ट आपको बाहर साढ़े चार हज़ार से लेकर बारह हज़ार तक का हो रहा होता है तो हमने जो इनिशिएटिव है हमारा ये कि ना सिर्फ ज़कात मस्हकिन के लिए बल्कि नौ जो हमारा सफ़ैद तबका सफ़ेद पोष हजरात हैं इनके लिए भी है और इसमें आप मुनफरद बात ये है कि ये सब जो कर रहे हैं ये हम स्टूडेंट्स ही कर रहे होते हैं हमारी जो कैबिनेट बनती है वो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक की बनती है मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ एम बी एस का ये मेरी बैचमेट है इस वक्त मैं प्रेजिडेंट के तो तौर पर काम कर रहा हूँ और जैसे जब मैं निकल जाऊँगा तो नए बच्चे आ जाएंगे तो कराची में ऐसा इरादा कोई नहीं है कि जो ऐसा मेरे ख्याल से काम कर रहा हो इतने बड़े इस तरह से एक हॉस्पिटल में रहते हुए ये सारा कुछ कर रहे हो बिकॉज देखें ये तो एक एक बहुत बड़ी चपेड़ है 1995 से आप बात कर रहे हैं हम आज बात करते हैं 2024 आ गया है हम आज बात करते हैं इतने सालों के बाद भी तो हम यही बात कर रहे हैं कि सेहत पे काम करना चाहिए तालीम पे काम करना चाहिए सो so आप देखें कि पाकिस्तान में ये काम हो ही नहीं रहा हुकूमती लेवल पे जबकि एक एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये सारा जिम्मेदारी जो है ये गवर्नमेंट को उठानी चाहिए आप दुनिया में जब रजिस्टर्ड होते हैं हॉस्पिटल में तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग आपका सारा खर्चा जो है वो हॉस्पिटल उठा रहा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो अलग बात होती है बट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ये सारा उनका काम होता है लेकिन जब गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट अगर मैं उन्नीस सौ पचास से लेकर आज तक बात करूँ तो कोई भी गवर्नमेंट तकरीबन तीन से चार गवर्नमेंट्स आई और गई हैं किसी ने भी सेहत के हवाले से कोई काम नहीं किया तो काम कौन कर रहा है उस जगह पे मौजूद होते हुए ये थोड़े से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था और ऑब्वियसली जो 1995 में स्टूडेंट्स होंगे आज वो बहुत बड़े डॉक्टर्स होंगे तो अल्लाह ताला ने उनको इसीलिए इतना बड़ा डॉक्टर बनाया होगा कि उन्होंने शुरू में इतनी मेहनतें की हैं लोगों की खदमात की हैं इतनी दुआएँ ली हैं मैं वही बात जो शुरू में कर रहा था कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप इतनी उम्मीदें लेके हॉस्पिटल जाते हैं कि यूँ हो जाएगा ऐसे हो जाएगा फला हो जाएगा और वहाँ पर जब आपको ना अटेंशन मिलती है और अटेंशन जब मिल जाती है तो उसके बाद फिर जब आपको दवाइयों का पता चलता है आपको इलाज का पता चलता है तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो मेरे एक साल की तनख्वाह जो है वो इसमें चली जाएगी मैं अपने माँ बाप को बचाऊँ या मैं अपने बच्चों को बचाऊँ या मैं अपने बच्चों को बचाऊँ या अपने आ, 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 पेरेंट्स को बचाऊँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता वहाँ पर ये जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं वो आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद होते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोगों ने भी सपोर्ट करना है कराची में ख़ास तौर से रहने वाले इस बात को जानते हैं कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है आ, वहाँ पे होप्स अच्छी तरह से काम कर रहा है हमने देखा भी है कि बहुत सारे लोग आ, इनको इनके बारे में बात भी कर रहे हैं इनको प्रेज भी कर रहे हैं तो कुछ और इसके अलावा हमारी खिदमत में आपको में बताना चाहूँगा दो में जब सैलाब आया था तो हमने दादू में चालीस से ज़्यादा घर बनाए थे अभी जब रिसेंट सैलाब आया तो हमने वहाँ पे सौ के करीब घर गर बनाए हैं उनको रिहेबिलिटेशन है राशन कैंपेन कोविड के अंदर हमने 5000 थाउजेंड फैमिलीज़ प्लस को राशन वगैरह दिया और दो साइकिल्स में दिया है यानी कि एक मरतबा दे गया एक सौ दोबारा हम दे गया उस हमारी जो है एक आउटरीच प्रोग्राम है मेडिड के नाम से इसके अंदर हम न सिर्फ मेडिकल के तलबा को सिखाते हैं बल्कि आम जो हमारे अफराद हैं किसी भी सेक्टर में काम करते हैं उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट अगर खुदा ना खास्तर रास्ते में किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है या कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा होता है तो उसमें आपको कैसे उसकी जान बजाई सकती है ये भी हमारे साथ ये हमारे आउटरीच प्रोग्राम में है तो हम न सिर्फ हेल्थ सेक्टर को काम कर रहे हैं बल्कि एजुकेशन में अवेयरनेस भी तौर पर दे रहे हैं और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है रेडियोलॉजी में फोकस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि इसकी वाकई नीड है वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सी टी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड है हमारे पास सि टी स्कैन की मशीन आ चुकी है अलमदिल्ला लेकिन हमारे पास इस वक्त जो है वो फंड्स दरकार हैं उसकी जो एक साइट की कंस्ट्रक्शन के लिए और बाकी ऑपरेशन के लिए तो आपके मैं प्रोग्राम के तवसुस से यही अपील करना चाहूँगा कैमरे में बोलें सीधा मैं कराची के आवाम से बिलखसूस और वैसे पाकिस्तान के आवाम से ही दरख्वास करना चाहूँगा कि होप्स के इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें क्योंकि इन चीज़ों की बासी के अंदर ज़रूरत है सी टी स्कैन हो गया एक्सरे हो गया अल्ट्रासाउंड हो गया दीगर चीज़ें हो गई तो न सिर्फ आवाम से बल्कि जो सी एस आर और कॉरपोरेट लेवल के लोग हैं उन अजा से भी गुजारिश होंगी क्योंकि हमारे पास मैं बताता चलूँगा फैसल साहब आपको कि हमारे पास आ, बाय लॉ हम एलिजिबल हैं फॉर फुर्सी हमारे पास पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलोराफ़ी का सर्टिफिकेट है हमारे पास शरीय कम्प्लैंस का सर्टिफिकेट है एफ बी आर की टैक्स एग्जामशो हमारे पास मौजूद हैं तो अलहमदिल्ला ऑल दो कि हम स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन हमारे पास लीगल कम्पलाइंस पूरी है न सिर्फ़ लीगल कम्पलाइंस है बल्कि शरिया कम्पलाइंस भी पूरी है तो आप लोग अगर हमें अपनी जकत अदा करेंगे तो ज़्यादा भी इन अदा हो जाएगी और अगर सी एस आर के लिए अगर हमें कंसिडर करते हैं और हम मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें सी एस आर के लिए कंसिडर करें क्योंकि जब सी एस आर की फंडिंग आती है तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट होता है बिल्कुल ये जो मेरी जकत है ये तो मेरी ऑपरेशन को रन करेगी लेकिन मैं एक्सपेंशन की तरफ जाऊँगा तो मुझे इसके लिए सी एस आर और बाकी लोगों की जरूरत होगी तो मैं आपके तान से और आपके इस चैनल के तवस्त से तो ये अपील करता हूँ ताउन की कि उम्मीद है कि हमारे साथ हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने में साथ देंगे क्योंकि अब्बासी के मरीज़ों को अब्बासी के मरीज़ों के लिए होप्स जो है वो उम्मीद है और आप होप्स का सहारा बन सकते हैं बिल्कुल जी और इसलिए बार बार हम बैंक डिटेल्स भी चला रहे हैं नंबर भी चला रहे हैं अकाउंट नंबर भी चला रहे हैं ताकि आप लोग होप्स को सपोर्ट करें थैंक यू आप दोनों का बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करें इसी तरह से इंसानी खदत में कोशिश करते रहिए और जैसे आपके बड़ों ने एक अच्छा स्टेप लिया था आप लोग उसको लेके आगे चल रहे हैं आपके अब बाद आने वाले भी इसी तरह इसको लेके चलते रहें लेकिन वडेन वो कल नहीं आ रही चलें जी ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं जी हाँ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक बड़े लोगों का ख्वाब है जी यहाँ पे जाना उसमें एक हम भी शामिल थे अम्मा ने रौला डाल दिया और आज हम यहाँ बैठे हुए हैं बट एनी वे कैडट कॉलेज हसन अब्दाल फाउंडेड इन नाइनटीन फिफ्टी फोर क्वालिटी एजुकेशन विद फिटनेस एक्टिविटीज़ मनी मैनी नोटेबल ऑफिसर्स जो हैं वो uh, जिनका ताल्लुक़ जो है वो कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल से है uh, मेरे साथ यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतर इनाम साहब मौजूद हैं यू एस बोर्ड सर्टिफाइड न्यू न्यूरोसर्जन है टागा Neuro खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल अलैक् सरक्रामक सर मुझे तो देख के ना कुछ बहुत कुछ होने लग गया मैं सीरियसली मतलब आप सोचें कि मैं उन बदकिस्मत लोगों में हूँ जिनका दाखला हुआ और उसको जाने ना दिया गया अच्छा आई डि नॉट नो देट कि आपका आपका दाखला हुआ था वहाँ पर और जाने नहीं दिया गया अच्छा मे बी बेटर फॉर यू आई डोंट नो जो किस्मत में लिखा होता है लेकिन क्या करें right. सर बड़ी लंबी डिस्कशन होनी है आपसे मेरी जी जी फरमाइए और तो हमने बहुत कुछ जानना है आ, हमें हसन अदाल के बारे में लेकिन फ़िलहाल हम एक ब्रेक पे जाते हैं ब्रेक से वापस आते हैं प्रोफेसर साहब से शुक्रिया जी वालेकुम एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आहद कहते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतर इनाम साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल के हवाले से हो जाए तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं सो इस वॉज फाउंडेड इन 1954 और उस वक्त अच्छे स्कूल्स थे और लेकिन आ, सही मानो में क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें और स्कूल चाहिए थे पाकिस्तान में तो ये एफर्ट जो है दे वज एजुकेशन उनकी वजह से और फिर गवर्नमेंट के इंटरेस्ट से ये स्कूल क़ायम हुआ था और उसकी कैंपस जो है पहले कुछ और जगह था फिर मूव आसनताल के इलाके में और फिर वहाँ से मजीद ये बढ़ता चला गया ये हर साल लगभग 100 स्टूडेंट्स लेते हैं उनको पाँच साल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते हैं एंड इन माय एक्सपीरियंस जो मैंने पाँच साल गुजारे हैं जो कि शायद आप भी पैदा न हुए होंगे दिनों में शायद नहीं आप डेफिनेटली पैदा नहीं हुए होगा दिनों में मैं बात कर रहा हूँ उन्नीस सौ चौहत्तर से, से उन्नीस सौ उनासी की अच्छा तो उन दिनों में जो है और अभी भी वी हैव वी हैड एक्सलेंट टीचर्स जो लोग सिंसियर ऑनेस्ट डिवोटेड जिन्होंने बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं मुझे और मेरे जितने साथी थे उनको सिखाई हैं तो दिस इज़ ए इंस्टिट्यूशन जो कि सिर्फ आपको करिकुलम नहीं देता है और सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी नहीं कराता है। वो सब कराता है लेकिन उसके अलावा जो है ये आपको और बहुत सी चीज़ें देता है जो कि फिर बाद में आ, काम आती हैं आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के तौर पर सर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बोर्डिंग स्कूल होने के साथ साथ तो उस पर भी थोड़ी सी अगर हम बात सो बोर्डिंग स्कूल में ओबियसली रहना खाना पीना सब एंड डेट्स दोस्लेंट क्वालिटी कंट्रोल चीज़ें होती हैं लेकिन उसके अलावा गेम्स के लिए फैसिलिटीज़ हैं फिजिकल फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए फैसिलिटीज़ हैं एजुकेशनल चैलेंजस के लिए देर आर डिफरेंट क्लब्स एजुकेशनल क्लब्स वो सब हैं सो देर न्यूमस फैसिलिटीज़ आप बास्टबॉल हॉकी फ़ुटबॉल यू नो फिटनेस का अलग ख्याल, ख्याल रखा जाता है रहने जा। का अलग ख्याल रखा जाता जा। है जा। जा। और जा। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं आ, वो आप लोग खुद ही वो आपसे डिस्कस करते हैं या आप लोग किसी मेरिट के ऊपर उन बच्चों को लेते हैं सो so, ये होता मेरिट पे है अच्छा और जो है इम्तहान होते हैं थ्रू आउट बल्कि इम्तान इसके मुल्क से बाहर भी होते हैं उसके बाद उसमें से कुछ लोगलेक्ट किया जाता है और फिर उनके इंटरव्यूज़ होते हैं डिफरेंट जगहों पर इट प्योरली मेरिट अच्छा uh, और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है और स्पॉन्सरशिप पे होते हैं बच्चे स्पॉन्सरशिप मतलब मतलब ये कि उनको पे कोई और कर रहा है और वो बच्चे सो सो दैट्स व्हाट आवर गोल इज़ के जो है इट शुड बी नीड ब्लाइंड आपने पसंद कर लिए बच्चे की आर रिमार्केबल ट्रीजेंट को हमने ग्रूम करना है मजीद पाँच साल तो उसके बाद फिर जो है जो अफोर्ड कर सकते हैं सो अफोर्ड करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते वी हैव टू कम अप विद सम मीन्स टू हेल्प दैम गो थ्रू दिस अच्छा और अगर आप देखा जाए तो जो ख़र्चे हैं यहाँ के बेयर मिनिमम जो खाने पीने में रहने में खर्चे होते हैं वो सब मेंटेनेंस एक्टिविटी तो इट्स अ नीड ब्लाइंड बेसिकली दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू पुश सो लोग सपोर्ट करते हैं मतलब लोग सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती थी लेकिन अब गवर्नमेंट की सपोर्ट कम होती जा रही है अच्छा सम अदर यू रीजनस देर प्रायरिटीज़ में भी डिफरेंट सो वी आर फीलिंग द पेंच एट दिस पॉइंट कि जो हम चाहते थे कि कम से कम 20% फीसद बच्चे जो हैं वो आ जाए उनको अगर, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और हम किसी तरह से उनको ये पाँच साल इसमें स्कूल से गुजार दें तो वो हमें अब जरूरत पड़ रही है बहुत ज़्यादा उसकी ठीक है सर कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहें कोई बात आप लोगों को समझाना चाहें इस हवाले से सो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कैरेट कॉलेज कैन से इसके ये जो टाइम होता है ना पाँच साल आठवीं क्लास से बारहवीं क्लास तक का और अब तो वो कैम्ब्रिज आ गया है वो बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है आपकी पर्सनलिटी को बनाने का और आपके करियर के गोल्स को डिफ़ाइन करने का और इस टाइम में आपको चाहिए कि आपके पेयर्स आपके टीचर्स दे आर एक्सलेंट जो कि आपको वो कर सकें जहाँ पे आप डिसिप्लिन सिखा सकें लीडरशिप क्वालिटी सिखा सकें तो इंस्टीट्यूशन देर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान एंड अक्रॉस लेकिन हसन दाल इज़ वन ऑफ दो इंस्टीट्यूशनस जहाँ पे ए कैन गारंटी के भी प्रोवाइड दो क्वालिटीज़ जहाँ तक बात आती है डोनेशन की तो जो डोनेशन्स हैं यू नो हर एक के अपनी अपनी वैल्यू देखते हैं लोग किसी गरीब का शादी करा देना किसी के बच्ची की किसी का इलाज करा देना लेकिन वो जैसे कहते हैं ना यू गिव अ अ मैन यू नो फिश टू ईट और यू टीच हिम हाउ टू फिश वाली बात तो जो जहाँ एजुकेशन में जो आप करते हैं ये सबसे ज़्यादा जो आपको वैल्यू मिलती है ना डोनेशन की वो यहाँ से मिलती है जहाँ पर आप किसी को एजुकेट करके उसको शराप गामजन कर दें जिसमें लोगों का फ़ायदा करता जाए सीरियसली और मैं something. मैं आपकी एक बात से बड़ा मुझे हैरत हुई है कि पहले गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही थी और अब नहीं कर रही है right. अभी आप uh, well, आश्टा आश्टा तो लेकिन वही वाली बात है अभी आपसे पहले कुछ बच्चे आके बैठे हुए थे जो स्टूडेंट्स हैं जी। और वो मिलजुल जो है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे आर सपोर्टिंग और मैं कभी कभी ना अब देखें फिर इस बात पे ना फिर ऊटी सीधी बातें निकलती हैं हम उससे आई एम सॉरी लेकिन ये जाहिर सी बात है हम इतना टैक्स देते हैं इतना सारा कुछ करते हैं जी आप ब्लू पासपोर्ट दे रहे हैं ज़्यादा टैक्स देने वालों को आप लेकिन बात ये है कि हमें इस वक्त ज़्यादा सपोर्ट जो है वो एजुकेशन और ये ख़ास तौर से सिक्योरिटी और हम जब सेहत की बात करते हैं ये तीनों चीज़ों पर तो हमें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए उस पर इस वक्त कोई भी गवर्नमेंट है Uh, मतलब इसको गलत मत लीजिएगा मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ इस वक्त कोई भी गवर्नमेंट है उसको इन तीन चीज़ों को ज़्यादा uh, अपना क्या कहते हैं फोकस करने की ज़रूरत है प्रायोरिटी इन चीज़ों को देने की ज़रूरत है रादर देन uh, बाकी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं दरख्त भी लगते रहेंगे सब कुछ होता रहेगा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो उसको ऑटोमेटिकली पता होगा कि हाँ दरख्त भी लगाने हैं सफाई भी करनी है सारा कुछ मैंने करना ही है बिकॉज हमें पढ़ी लिखी आवाम चाहिए सो आई थिंक हमें थोड़ा मिलजुल के काम करना होगा जानवरों के ऊपर बड़ा काम हो रहा है बहुत अच्छी बात है बिल्कुल करना चाहिए लेकिन तालीम सेहत सिक्योरिटी ये बड़ी अहम चीज़ें हैं थैंक यू सो मच प्रोफेसर शुक्रिया कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे तो आप नो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड आई थिंक टोटली एग्री और जब आप बात कर रहे हैं बाकी लोगों की तो द गुड थिंग इज मैं uh, बात से बात निकाल रहा हूँ मैं सो देर इज अ लॉट ऑफ एडवर्सिटी इन दिस कल्चर ओवर हेयर इन दिस कंट्री लेकिन मैं देख रहा हूँ जो बच्चे आए हैं और जो लोग आ रहे हैं आपके इसमें यू नो इट्स क्रिएटिंग अ ड्राइव इन देम एंड जो पब्लिक हेल्थ के लिए पब्लिक एजुकेशन के लिए जो लोग करना शुरू कर रहे हैं दैट इज़ समथिंग दैट समट वीप इन पाकिस्तान फॉर एवर इन शह अल्लाह बेहतरी करेगा उम्मीद तो रखी हुई है जी, सर अल्लाह करे कि वो एक स्ट्रिंग्स का बड़ा अच्छा गाना था मैं तो देखूंगा तुम तो भी देखो भाई वो जब भी इस तरह की बात होती है मुझे बड़ी याद आती है सही बात कि जब रोटी सस्ती होगी मैं तो देखूंगा तुम भी देखोगे बस ये उम्मीद हमने कर रखी है अल्लाह पाक इस पे कामयाब करे, थैंक यू सो शुक्रिया। अलकुम जी आप सबको खुश आमदेद कहते हैं दीन और दुनिया और साथ में मजेदार अवतार हमारे साथ डॉक्टर नुसर साहबा मौजूद है असला मैद करना तो लो हाथ फिर तोसी डिटॉल <laughs> स्किन केयर क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन है जर्म फ्री स्किन जस्ट इसको यूज करने से क्या होता है आपकी स्किन सॉफ्ट होती है मॉइस्चराइज़ होती है।, है प्लस इसकी महकती खुशबू वाओ चलिए हम हाथ वॉश करते हैं डिटॉल स्किन कैसे वाओ वाओ इसका इसकी जो खुशबू है बहुत फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है महकती खुशबू है वाओ वाओ चलिए जी हमारे हाथ धुल गए देखे हमारे पास कैसा नलका है बटन से बंद होता है जी दिस इज 2024 थाउजेंड या बिल्कुल चलिए जब रेसिपी बता दो आज क्या बना रही हो जी बिल्कुल बता दें फिर आज... हमने आज बड़ा मजे का टॉपिक डिस्कस करना है हाँ अच्छा मैं बस जी. बता देती हूँ आपको आज मैं बना रही हूँ जैसे हम लोग फ्रेंच फ्राइज खाते हैं आलू के हो गए या फिर स्वीट पोटेटोज हो गए शकरकंदी के हो गए लेकिन आग आग आज हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम ओकरा लाइक like भिंडी भिंडी के फ्राइज बनाएंगे जिसके लिए मुझे कॉन फ्लाई चाहिए थोड़ा सा सेमोलिना लाइक like, सूजी चिक पी है, लाइक like, बेसन है एंड थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर है इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे थोड़े से पानी में बैटर बनाएंगे नॉट दैट मच बैटर थोड़ा सा स्टिक ऑन हो जाए भिंडियों को और फिर उसको हम डीप फ्राई करेंगे फिर इसका एक मसाला मैंने रेडी किया इसमें आम चूर है इसमें आमचूर है चाट मसाला है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स है इसको मिक्स करके इसका ये मसाला ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे और साथ में रायता है क्या बात है जी क्या बात है जबरदस्त जबरदस्त डॉक्टर साहब आप आज बात कर रही हैं कॉस्मेटिक्स यस yes. और आपकी सेहत यस ये से सेहत का क्या ताल्लुक हाँ ये बड़ा सरप्राइज है लेकिन बहुत गहरा ताल्लुक है अच्छा अच्छा थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री देखेंगे कॉस्मेटिक्स हमें लगता है कि आज शायद हमारे लिए हमें जो तैयार होते हैं आ, मेरे ख्याल है कोई पाँच हजार साल पहले फोर्टीन डी सी जब पहली दफ़ा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल हुआ पाँच हजार साल पहले और इजिप्शियंस ने किया अच्छा और वो सबसे पहले न, 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 काजल का इस्तेमाल होता था वहाँ पे बिल्कुल? और वो लेट बेस्ट काजल होते थे डिफरेंट मेटल्स यूज होते थे तो जो कॉस्मेटिक हिस्ट्री है या सजना सवरना जो है ये आज का नहीं है वाह वाह ये इतना ही पुराना है जितने हम पुराने हैं हम मैं तो पाँच हजार साल पुराना नहीं हूँ दुनिया तो इतनी पुरानी है ना। दुनिया तो इससे भी ज्यादा पुरानी तो बस है। तो जितने पुराने हम हाँ इस दुनिया में हैं है। और सजना संवरना अच्छे लगना ये इतना ही पुराना है जी जी वक्त के साथ साथ इन चीज़ों में एडवांसमेंट आई है कुछ बेहतरी आई है डॉक्टर ने डायनासोर ही बना दिया डायनासोर्स खैर आजकल तो शुरु का फैशन हो गया है डायनासोर्स तो तो नहीं है जी तो वो बनाया जा सकता है तो कॉस्मेटिक्स जो है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैं छोटी सी एक बात कहना चाह रहा हूँ लोगों ने yeah, बड़ा sure. शोर मचाया था इस बात पर बहुत ज़्यादा जो है वो अपना क्या कहते हैं शुुरमुर्ख के हवाले से एक पूरा बड़ा ज़बरदस्त फार्म उन्होंने बनाया है जहाँ पे वो स्पेशली इस इसीलिए शुुरमुर्ख जो है वो लाए गए हैं या उनकी क्या कहते हैं अफजाइश नस्ल जो है जिसपे काम किया जा रहा है तो वो उन्होंने प्रोवाइड किए थे ये हम ज़रा नेगेटिव प्रोपोगडा ज़रा ज़्यादा करते हैं तो मैंने कहा ये मैं क्लियर कर दूं तो वो कोई ये नहीं है कि जंगलों से पकड़ कर ले आए और लागे कर दिया तो ये बाकायदा फार्मिंग की गई है तो प्लीज़ थोड़ा सा हाथ हल्का रखे न्यू सॉर्ट ऑफ बिजनेस जी बिल्कुल बिल्कुल मीट मार्केट में नई प्रोडक्ट तो ठीक है अगर है और एनवायरमेंटल एंड हेल्थ सेफ्टी है उसके साथ जी जी तो उसको प्रमोट होना चाहिए नए बिजनेस आने चाहिए जी बिल्कुल नो no डाउट तो हम कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे थे तो मैंने ये सोचा कि रमजान ईद आ रही है हमारे पार्लर्स जो हैं वो भरे हुए होंगे लोगों के साथ और मैंने लगी होती, लगी होती हैं लाइनें लगी होती हैं और आजकल तो दूल्हे भी तैयार होते हैं और दुल्हों के साथ साथ उनकी भी पूरी एक तरह से तैयारी होती है उनके फैशल्स किए जाते हैं मेकअप किया जाता है और ड्रेसिंग के साथ एक और चीज़ जो मैं इंटरेस्टिंगली uh, uh, इंडोस कराना चाहती हूँ हमारे कल्चर में ये लगता है कि जो मर्द हैं वो डार्क कलर्स नहीं पहन सकते क्यों फैसल जी जी ऐसे ही है जी जी बिल्कुल क्यों नहीं पहन सकते किसने मना किया है

तो मर्द हमेशा हमारे कल्चर में सोबर कलर्स पहनते हैं क्योंकि बादशाहों ने मना किया हुआ था अच्छा लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है क्योंकि कहा यह जाता है आ, मर्दों के हवाले <coughs> से कि जरा आप जो हैं वो डल कलर्स पर रहें ये एक इस्लामिक व्यू भी है इस पर तो मैं इस बहस में नहीं जाना चाहती ठीक मैं भी नहीं पढ़ना चाहती लेकिन हिस्टोरिकल मैं देख रही हूँ वो मेरे मुफ्तिया मुफ्ती आएंगे मैं उनसे आपको पूछवा दूंगा

अच्छा कॉस्मेटिक्स है जैसे कहा कि सजना सवरना कुछ नया नहीं, नहीं है हम सारे इस वक्त जो दौड़ लगी है जी मैं कहीं देख रही थी एक तो रजिस्ट्रेशन का थोड़ा फुकदान है क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती है और जिस तरह हम रिपीटेडली बात कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है और हम सारे बहुत कैजुअल हैं हम ज़्यादा जिम्मेदार लोग नहीं हैं तो हम चीज़ों की क्वालिटी पे उनके इस्तेमाल पे हमें कभी कंसर्न नहीं होता शायद कुछ अच्छे ब्यूटी पार्लर्स हैं या वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उन इंग्रेडिएंट्स पे जाते हैं जो हेल्थ और इन्वामेंटल फ्रेंडली हो लेकिन जो आम पब्लिक है चाहे वो हमारे हेल्पर्स हों या हमारे कोई एलि क्लास के लोग हों सारे लोग जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे अच्छा लगना चाहते हैं और कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे स्पेसिफिकली पार्लर्स की बात कर रही है कॉस्मेटिक्स की जनरल बात कर अच्छा जो बाजारों में मिल रही है ठीक है एक आपको पचास हजार रूपये का एक प्रोडक्ट मिलता है और पचास रुपए का भी एक प्रोडक्ट मिलता है पर जरूरी तो नहीं है जो पचास हजार का मिल रहा है वो भी कोई बड़ा जबरदस्त हो मेरे ख्याल है उसका कहीं चेक जरूर है अच्छा yes. उसके पैसे क्वालिटी उसके पैसे भी ज्यादा है वो क्वालिटी पैसे हमेशा मतलब मैंने के साथ मैंने जैसे ही अपना सूट पहना हुआ है शलवार कमीज ये साढ़े सात हजार रुपये का मैं इसकी कीमत कर दूंगा पच्चीस हजार रूपये तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी है ऐसा है मेरे ख्याल साइकोलॉजिकल ये भी है अच्छा साइकोलॉजिकल ये भी है लेकिन अब जो नए बिज़नेस ट्रेंड्स आ रहे हैं वो क्वालिटी से ज़्यादा उसके जिस तरह हमने कहा कार्बन फुटप्रिंट्स वाटर फुटप्रिंट्स ये लोग देखने लगे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत रुझान हो गया है जिस तरह मेरे मेरा हम सब्जेक्ट से बहुत किसी और वक्त ये बात कर लेंगे अभी हम एक्सक्लूसिवली इसकी बात करते हैं अच्छा हम मुझे क्यों ख्याल आया कि ये बात करनी चाहिए वो मुझे किसी ने कहा कि नुजरत इसकी बात ज़रूर करना है हमारे जो छोटे अनरेगुलेटेड पार्लर्स हैं जिस तरह हमारे फूड भी हैं जिनकी रेगुलेशंस नहीं है सिमिलरली जो सिलॉन्स एंड पार्लर हैं या वो कॉस्मेटिक्स जिनका कोई चेक नहीं है एनी बडी कैन प्रिपेयर एट होम अगर उसको थोड़ी सी रेसिपी आती है आजकल तो नेट है तो उसमें जो मुझर सेहत केमिकल्स यूज़ होते एक तो ट्रेडिशनली होते थे जिस तरह लेड है तो वो बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाता है एक हैवी मेटल लेड वो हमारे पेंट्स में भी यूज़ होते हैं वो इसलिए यूज़ होता है कि वो जब लगाते हैं तो उससे सर्वेस एरिया बढ़ जाता है उसको लगाने से वो कॉस्मेटिक्स में भी होता था आर्सनिक यूज़ होता था ट्रेडिशनल यूज़ होते थे ये मेटल्स यूज़ होते थे इसके अलावा जो डाइज़ यूज़ होते हैं जो कलर यूज़ होते हैं पिगमेंट वो भी बहुत ज़्यादा मुजरे से रहते हैं अगर आप बाज़ार चले जाएँ ठेलों पर जो जूसेज़ मिल रहे हैं तो कहीं मुझे किसी ने कहा कि वो जो कलर डालते हैं वो डाई वाला कलर डाल देते हैं यस तो सिमिलरली जो कॉस्मेटिक्स में जो सस्ती कॉस्मेटिक्स हैं तो उसमें सस्ते इंग्रेडिएंट्स रहते हैं और उन सस्ते इंग्रेडिएंट्स का कोई चेक नहीं है और वो क्या हो सकता है वो आपकी स्किन डैमेज करता है इनिशियली uh, ये होता है कि आपकी स्किन पर रैशज पड़ जाते हैं पिगमेंटेशन हो जाती है एक्नी जैसी शक्ल हो जाती है दाने निकल आते हैं वो टेम्परेरली होता है लॉन्ग टर्म में स्किन कैंसर हो सकता है अगर वो क्योंकि आप जब लिपस्टिक लगा रहे हैं तो आप इन्हेल भी कर रहे हैं और उसको चूँ भी कर रहे हैं लंग्स कैंसर और आपके कैंसर कैंसर कॉजिंग हो सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टॉक्सिक हो सकते हैं है। मरकरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है कॉस्मेटिक्स के अंदर मरकरी तो हड्डियों की जोड़ों के लिए बड़ा खतरनाक होता है मरकरी बेसिकली वेरी डेंजरस फॉर न्यूरोलॉजिकल न्यूरोजिकल डिसऑर्डर ने बिल्कुल और जापान में एक जगह में है मिनी माता जहाँ पे मरकरी ऑर्गेनिक मरकरी पॉइजन से पूरी तो कम्यूनिटी इन्फेक्टेड थी तो बेसिकली ये जो सारे आर्सनिक है वो कैंसर कॉजिंग है ब्लैड कैंसर कॉजिंग है और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारे कॉस्मेटिक्स का हिस्सा है बहुत सारे ऑर्गेनिक हैं फॉर्मल डी जिसे हम फॉर्मलिन कहते हैं बहुत सारे सॉल्वेंट हैं एडेसिव है, है। आ, आपके ये सारे अगर चेक ना किए जाएँ तो ये इंतहाई इंतहाई मुजरे और इस अच्छा एक और जो चीज़ हमें इनविजिबली नजर आती है थोड़े दिनों बाद इस्पेली जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं उसमें मरकरी यूज़ होता है वो तो, बहुत तो मेरी हम्बल से रिक्वेस्ट है कि वाइट जो आपको अल्लाह ताला ने स्किन दी है उससे खूबसूरत स्किन नहीं हो सकती अल्लाह ताला को पता था कि आपको किस कलर का और किस तरह का बनाना चाहिए इलाके की से भी पिगमेंट होती है ना इलाके की मुनासबत से भी होती है जो उसने बनाया वो हाँ। बेस्ट बनाया है ना आपके लिए तो आप क्यों गोरा होने के चक्कर में लगे हुए हैं अभी भी देखें जो आज कल मिस वर्ल्ड और यूनिवर्स उनमें ना ख़ास तौर पर इस दफ़ा मैंने देखा तो एक चबी किस्म की लड़की आई हुई थी वो प्रमोट कर रहे हैं कि जिन स्किन इस दफ़ा तो मिस यूनिवर्स सऊदीया की बनी है जी हाँ जो आपको साइज़ मिला है जो जिस तरह की आपकी शक्ल है बेस्ट साइज़ बेस्ट शक्ल आपका है जी आप एफ़र्ट करें अच्छा खाना खाएं, पूरी नींद पानी पिए जो आप कर सकते हैं स्किन साफ रखें लेकिन ये केमिकल्स का इस्तेमाल फोर्सफुली अपने आप को इस सिचुएशन में डालना जहां आपकी अच्छा उसमें एक और भी होता है आप वक्ती तौर पे वाइटनिंग क्रीम लगा लें उसके बाद आपकी जो नई स्किन आएगी थोड़े दिनों बाद वो काली से हो जाएगी जी जी वो आपको आदत फिर उसके बाद ये होता है कि एजिंग बहुत होती है जब अगर आप ख़राब प्रोडक्ट लगाएं तो आपकी स्किन पे एजिंग बहुत जल्दी हो जाती है आप बहुत सारे प्रोडक्ट को मेरा ख़्याल है अवॉइड करें स्पेशली आप जो छोटे प्रोडक्ट हैं आप घर में कोई टोटके बना लें घर में चीज़ें कर लीजिए बहुत सारी चीज़ें आप घर में अपने स्किन केयर की कर सकते हैं तो आप क्यों ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान दे आपकी बात <laughs> जो है ना बिल्कुल वजह है देखिए मैं उस पर इसलिए थोड़ा सा आपको चार्ज कर रहा होता हूँ बिकॉज ये ज़रूरी होता है और पब्लिक को भी सुनना होता है क्योंकि वो जो सवाल इनके होते हैं वो मैं कर देता हूँ लेकिन मैं जो डॉक्टर साहब बात कर रही हैं उसको अंडरस्टैंड करें बड़े बुज़ुर्गों ने कहा सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार ऐसे ही नहीं कहा देर इज़ अ रीज़न दूसरी बात बहुत जगहों पे दो नंबर चीज़ें मिलती हैं आपको पता है कि यहाँ पे ये यह फेक या दो नंबर जो है ये पाउडर है ये क्रीम है ये फाउंडेशन है ये लिपस्टिक है खुदा के वास्ते वहाँ से मत लें सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि यू आर बाइंग यू बिग ब्रांड और वो दो नंबर है और वो आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर तो वो आपकी स्किन के लिए ख़तरा बन सकता है फिर Uh, वो लोग जिनका नाम uh, जुड़ा हो मेकअप uh, इंडस्ट्री के साथ फ, फ, मतलब एक एक लंबे अरसे से बहुत बड़े बड़े नाम हो वो अगर पाकिस्तान में इस तरह का काम कर रहे हैं सो दे हैव अ बिग रेपूटेशन अगर खुदा न खास्ता कहीं कुछ 19-20 होता है तो कोई भी टेस्ट करवा के उनके ऊपर लंबा केस कर सकता है तो वो आपके सामने है कि ए, एक एक आदमी आपके सामने है ना कि यार ये इनका प्रोडक्ट है तो वो ऑब्वियसली कभी भी इस तरह का प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे जो हलाल ना हो जिससे स्किन को प्रॉब्लम हो तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें जो आपकी स्किन के लिए सेफ़ हों uh, हम प्रोग्राम कर रहे थे उसमें एक बड़ी uh, एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई थी कि हम बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कुछ वो इम्पोर्टेड शैम्पूज़ यूज़ करते हैं भाई सबसे बड़ा मसला ये होता है कुछ जगहों पर Uh, वो वहाँ के वेदर के हवाले से बनाए जाते हैं हमारा वेदर बिल्कुल अलग है हमारा इलाका बिल्कुल अलग है तो इस हिसाब से भी कुछ चीज़ें सूट नहीं करती हैं स्किन्स uh, के डिफरेंसेस होते हैं तो उसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए हम पाकिस्तानियों की ज़रा सी थिक स्किन है बन Uh, दूसरे लोगों के तो वो भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा मेकअप आपको सूट करेगा कौन सा सूट नहीं करेगा uh, बहुत सारे बड़ी कंपनीज़ हैं जो अपना मेकअप दुबई भेजती हैं तो वो उनकी uh, जो रेसिपीज़ uh, हैं वो डिफरेंट हैं बनस्बत यूरोपियन एंड ब्रिटिश और अमेरिकन रेसिपीज़ के सो so, बहुत सारा काम इस पर किया जाता है uh, मेरे ख़्याल से भिंडियाँ बन गई हैं जी ऑलमोस्ट okay, श्राई हो गई हैं थोड़ी मैंने प्रेजेंटेशन कर दी थोड़ी कढ़ाई के अंदर है और हमारे पास है लिप्टन जॉय जार ऑफ अ जॉय हमारे किचन की रौनक हमारे मम्मीज के किचन की रौनक हमारे पूरे खानदान के किचन की रौनक बिकॉज दिस इज द पैकिंग द ब्यूटिफुल पैकिंग इसकी कि बस आप देखते रह जाएं और यू you नो know, पुराने सारे जितने भी जार्स हैं उनको उठा के फेंकें <coughs> ये आया लिप्टन का बेस्ट जार एंड ब्यूटिफुल जार तो जल्दी से जाए और ख़रीद के लेकर आइए प्लीज़ अच्छा एक बे इंटरेस्टिंग चीज़ कराना चाहती हूँ कि हम ये समझते हैं कि कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री रेगुलेटेड नहीं है तो फार्चुनेटली ये हुआ कि 2003 में बायदा एक एक्ट बना है जनरल कॉस्मेटिक्स एक्ट 2023 और मेरे ख़्याल जो सारे बड़े पार्लर्स हैं ब्यूटिशंस हैं ये उन्हीं की मेरे ख्याल काविश होगी कि उन्होंने कोई रेगोलेशन पाकिस्तान में शुरू किए इसके रूल्स बने हैं और जब वो रूल्स बन जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सकेगी अभी भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में और कोई सात हज़ार के करीब छोटे बड़े ब्यूटी पार्लर हैं ये वो हैं जो कहीं रजिस्टर्ड हैं अच्छा एक और मैं चीज़ देख रही थी कि इनकी प्रोडक्ट की रेगुलेशन्स एक तो एक्ट बन गया टू वो ड्राफ्ट में होती है इसकी रजिस्ट्रेशन जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं या आप जो चीज़ें चाहते हैं कि जी इम्पोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान में कॉस्मेटिक्स तो उसकी उसको कौन रेगुलेट करता है तो एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो लोग उनको देखते हैं इसके अलावा जो इनके क्वालिटी चेक है वो एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इदारा है पाकिस्तान एक्रेडेशन कौंसल तो वो इसकी एक करते अगेन इसके रेगुलेशंस की बहुत कमी है इसकी रजिस्ट्रेशन की इसकी मैनेजमेंट की जो कॉस्मेटिक्स है इसीलिए हमने ये हम्बली रिक्वेस्ट की है कि जब आप पार्लर्स जाएँ तो उनके प्रोडक्ट को देख लीजिए कि कहीं उन्होंने घरों में बना के एक लो कॉस्ट नहीं पता चलता मैम नहीं पता चलता असल बोतल के अंदर नकल exactly, माल मारी तो ये हाँ। तो उसको कौन रेगुलेट करेगा हमने पहले भी ये कहा था कि काइंडली इसकी कोई रेगुलेटरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगी अरे सोफ्टवेयर ड्रिंक इधर हमारे पीछे बन रही होती है हाँ गलियों में लेकिन फिर भी फूड के आपके पास ड्रग इंस्पेक्टर्स तो है ना जिनकी अथॉरिटी है की वो पकड़े सॉफ्टवेयर नहीं पकड़े ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स के रेगुलेटरी फूड अथॉरिटी तो है ना वो छापे मार सकते हैं वो पकड़ सकते हैं कॉस्मेटिक छापे तो, तो सिर्फ इकरार मार रहा है वो नहीं कर रहे तो ये उनकी गैर जिम्मेदारी है ना आ, लेकिन जो कर सकते हैं और जिसका एग्जिस्ट ही नहीं करता क्या तो, उनका क्या तो मेरा ख्याल ये है कि हम सारों को जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री से या जो कस्टमर्स हैं उनको थोड़ी जिम्मेदारी से इन कॉस्मेटिक्स को यूज करना चाहिए बिल्कुल जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू आपका भी बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया हम बढ़ेंगे महकती कलियों की तरफ जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ महकती गलिया में और बहुत सारे प्यारे, प्यारे प्यारे बच्चे एक बार फिर मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम आपका नाम क्या है मेरा नाम है जैन जैन पूरा नाम बताइए मेरा नाम है पूरा नाम मेरा है मोहम्मद जैन मोहम्मद जैन और मजीद पूरा नहीं है बस मोहम्मद जैन है ठीक है और आपका नाम क्या है میرا نام حسنین ہے حسنین ماشاءاللہ تو کیا سنا رہے ہیں آپ زین اور حسنین ہمیں میں ایک سورت اچھا اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفسات نفسات نفاسات في الأقف وفي ال ومن شر حاسد ومن شر إذا حسد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جي بيا ما سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ برب الناس ملك الناس इन नरमन शरील वस् वसील खन्ना अल्लाह जियो वस्फी सोफी सोस नास मिन अल जन्नत व नस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये भाई को दीजिए बड़ा कुर्ता पहना हुआ है यार क्या नाम है आपका मेरा नाम मोहम्मद मेरा नाम मुस्तफा है मुस्तफा भाई, भाई? हाँ भाई हैप्पी डोनेट के लिए आपके लिए गिफ्ट लाई हूं आपके लिए आपको कल गिजिल चाहिए था ना हां तो हाँ आप, आप मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं हैप्पी डोनट्स की तरफ से हैप्पी डोनट्स की तरफ से आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हां थैंक यू सो मच मैं आपका शुक्रिया करूं हैप्पी डोनट्स का करूं दोनों का कर दूँ भाई कनैन का भी थैंक यू और हैप्पी डोनट्स का भी थैंक यू uh, मेरे लिए इतने जबरदस्त आपने ये गिफ्ट रैप भेजा है सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सेलिब्रेट द सीजन विद हैप्पी मोमेंट्स थैंक यू वंस सा थैंक यू मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया

मिला, मिला तेरी कलम माशाल्लाह आपने भी बड़ा ज़बरदस्त कुर्ता पहना हुआ है खड़े होकर दिखाइए ज़रा वो हुए पब्लिक को दिखाएं भाई ये डिज़ाइन बनवा लो इसी पे मैं कह रहा हूँ बटन देखे यहाँ तक जबरदस्त क्या नाम है आपका मेरा नाम अहमद रजा है अच्छा भाई होगा यार इतना रहा है यार हाँ जी अहमद भाई क्या सुना रहे हैं आप मैं एक नाच सुना रहा हूँ सुनाइए। बड़ी प्यारी आवाज़ हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर तसे सीने तसे में मौजूद इसने ला लाकर ला ला, कला ला, में दिया इसने ला कल कला में दिया माशा माशा सुबहानल् यहाँ पे तुम क्यों रो रही हो रोने वाली कोई बात थोड़ी ने, अरे ने, कुछ ने, नहीं।, नहीं होता बातें भूल जाती हैं हमें भी अक्सर भूल जाती हैं इतने इस्पॉन्सर्स होते हैं पता है मैंने उनका नाम लेना होता है मैं कभी कभी भूल जाता हूँ अब वो स्पॉन्सर्स की लाइन अगर मुझे काशिफ़ भाई लिख के नहीं देंगे तो वो मुझे याद ही नहीं हो के दे रही यार सत्रह दिन हो गए वो तब भी नहीं लिख के दे रहे मैं वो भी भूल जाता हूँ अब मैं क्या करूँ हो जाता है पार्ट ऑफ अ लाइफ हम जब ड्रामे कर रहे होते हैं तो मेरे ड्रामे देखती हो तो पता है कितनी कितनी रेटेक्स होती हैं उसमें फंस गई याद ही नहीं हो रहा मैं तुम्हें कहना चाह रहा था मैं तुम्हें कहना चाह रहा था मैं मैं क्या कहना चाह रहा था भाई तो ये होता है हमारे साथ इट्स ओके स्माइल तुमने चश्मा लगाया हुआ ना इसलिए भूल गई आंखों से डायलॉग बाहर निकल गए हाँ जाओ रट्टा मार के जल्दी से मैं बहन से बात कर रहा हूँ जाओ जी आपका नाम क्या है

يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله بأمي وأبي فتيتك سيدي الصلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد क्या बात है बहन को दीजिए अस्सलाम वालेकुम आपका नाम क्या है मेरा नाम हुरैन नूर है हुरैन नूर हुरैन नूर माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आइए मोहतरमा बैठ के जी मैं आपसे पहले पूछना चाहती हूँ मुझसे अच्छा पूछो वो कौन सी चीज़ है जिसे जिसके चार पाँव नहीं है लेकिन वो बहुत तेज भागता है <hatten> चार पाँव नहीं है और वो जानदार है जान्वरे. <haben> जानवर है जानवर शुतर मूर्ख बहुत तेज भागता है सांप। सांप। भागता नहीं है, वो रिंगता है hmm. भागने और रिंगने में फर्क है हशरात रिंगते हैं जानवर भागते हैं ठीक है ना तो वो रिंगता है वो सांप भागता नहीं है वो ऐसे ऐसे रिंगता हुआ जाता है जी आप पूछें वो कौन सी चीज है जिसके ना आठ पांव हैं? मकड़ी हाँ. है सही जवाब देने पे इतना प्यारा एक्सप्रेशन गलत जवाब देता तो क्या होता जी याद आया कुछ याद आया याददाश्त चली गई तुम्हारी क्या डॉक्टर के पास गई थी तुम नहीं तो फिर याददाश्त कैसे वापस आई तुम्हारी मैं कौन हूँ मैं कहा हूँ आप लोग कौन हैं ऐसा तो नहीं हो गया था तो फिर क्या पूछना था बता मेरा एक डायलॉग था वो भूल गई थी तो याद आया हाँ याद आया सुनाओ मुझ पे एक इशान करना हुँ? ये गोली मोरी मेरी यहाँ दिल पे मारना जा यहाँ तू रहता है ये रात को इसने एपिसोड देखा इसलिए भूल गई है आखिरी बार बता दे कि तुम हमसे मोहब्बत करता है कि नहीं आपको कैसे पता चला अबे मैंने ही बोला है मुझे नहीं पता होगा मैंने कल देखा था कहता हम पे एक एहसान करना कि गोले इधर हमारे दिल पे मारना क्या तुम रहता है <laughs> हाय हाय बस आखिरी बार ये बता दो कि तुम हमसे मोहब्बत करता है हमारी <laughs> हाँ। फिल्म और ड्रामो के लिए स्पेशल ब्लड बनता है तो हमारे जो फयाज भाई हैं जो हमारे गेटअप आर्टिस्ट थे वो फयाज भाई वो स्पेशली वो ब्लड लेकर आए थे जो मुंह में आप डाल सकते हैं जिससे Uh, कोई नुकसान ना हो वो स्पेशली बनता है फिल्म और ड्रामों के लिए तो वो था सही हो गया याद आ गया चलो मैं भी सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो वो वो कौन सा फूल है हम जो ना जो डंडी में नहीं लगा होता वो बस ऐसे लगा हुआ आता है कमल का फूल उसकी भी छोटी सी डंडी तो होती है कमल के नीचे नहीं फिर नहीं जैस्मिन की भी डंडी होती है हर फूल की डंडी होती है जो सर पे लगाते हैं नहीं फिर गोभी का फूल फिर वाला फूल जो मैजिक वाला फूल मैजिक वाला फूल ये इसकी माँ जो है ना उससे मुझे आज बात करनी पड़ेगी मतलब वो जो है ना पता नहीं क्या क्या मुझे किस इम्तहान में डाल रही है मुझे नहीं पता भाई हैप्पी की तरफ से मुझे भी गिफ्ट आया थैंक यू सो मच मैं लेकिन। मैं खुद मैं खुद ही ही अपनी बनाती यू आर वेरी क्रिएटिव कॉनैन यू आर वेरी क्रिएटिव भाई ये हैप्पी की तरफ से आपके लिए अवतार पे खाइएगा आपके लिए भी आप भी अवतार पे खाइएगा ये दोनों आपके लिए जनाब ये लीजिए ये लीजिए ये आपके लिए आप बहुत प्यारी हैं मुझे पता चला कल डन है कल आना है कनैन ये आपके लिए और मुझे पता चला ये माशाल्लाह आठवें पारे तक पहुंच चुकी है हिफ्स करने में माशाल्लाह माशाल्लाह और इसकी स्पीड बहुत अच्छी है सो अल्लाह पाक ऐसे ही रखे सबको सो आज ये मौलम टैब जो है जिनका कहना है बच्चों की दीनी और अखलाक़ी तरबियत के लिए बेहतरीन डिवाइस कलाम की तरफ से आ, ये डिवाइस जो है ये है हमारे कलाम बिल्कुल ये जैन और हसनैन के लिए है बिकॉज दोनों भाई हैं दोनों मिलके यूज़ करेंगे पढ़ेंगे हमें खुशी होगी बाकी तुम तो आती रहती हो जो बच्चे आज गेस्ट आए मैंने कहा उनको दे दूँ कल तुम्हारी बर्थ डन है ना अभी हमारे पास तेरह दिन है तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे सेट के बच्चे हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता देते रहे बट मैं जाऊँगा छोटी सी ब्रेक पर बड़ी ज़बरदस्त आज भिंडी बनी है सेट पर और हम छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं ब्रेक से वापस आ रहे हैं सिर्णी सिर्णी जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको खुश आमदेद कहते हैं जेर जबर में आ, हमारे जज साहबान यहाँ पे मौजूद हैं आप लोगों को खुश आमदेद कहते हैं यहाँ पर हमारे जो आ, आ, जेर जबर के लिए कंपटीशन के लिए आए हैं तैयबा खान हैं द ब्राइट विजन स्कूल से आपको खुश आमदेद कहते हैं अब्दुल्ला जो हैं एफ जे कॉलेज से एफ जी कॉलेज से आपको भी खुश आमदेद कहते हैं हाजर रऊफ़ हैं एन यू एम एल यूनिवर्सिटी से आपको भी खुश आमदेद कहते हैं और uh, सवालात का सिलसिला तो चलता रहेगा लेकिन उससे पहले एक सवाल जो हमने कल आपसे पूछा था डेल और एम एन पी की जानब से रोज़ाना हम एक सवाल पूछते हैं और उसके बाद आप जो जवाब देते हैं वो शामिल हो जाता है कुरान दाजी में जो कि सत्ताईस रमज़ान पे आ, दो लैपटॉप्स की हम कुरानदाज़ी करेंगे कल का जो सवाल था उसका जवाब है मुसलमानों की पहली मस्जिद मस्जिद खुबा थी और आज का सवाल है जंगे बदर किस सन हिजरी में नहीं आपसे नहीं है ये पब्लिक से है ये थोड़ा सबर रखें ये पब्लिक का सवाल है आपके सवाल अभी आएंगे फिर पता लगेगा जी तो आज का सवाल है जंगे बदर किस सन हिजरी में हुई आज का सवाल है जंगे बदर किस सन हिजरी में हुई डेल एंड डेल और एमएनपी की जानिब से ये सवाल है और पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं लेकिन वीडियो से पहले आपको ये बता दें जो बच्चे जेर ज़बर और हमारा जो मुझे कुछ कहना है डिबेट का जो कंपटीशन है जो उसमें जीतते हैं उनको ओजी डेवलपर्स की जानब से बाइक मिलती है बाइक मिलेगी एलईडी मिलेगी लैपटॉप मिलेगा और ओजी डेवलपर्स का कहना है क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसेस दैट इंस्पायर एंड एलिवेट सो अब हम सिलसिला शुरू करेंगे आपको ऑडियो सुनाई जाएगी फिर उसके बाद हम आप उसको उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे पहले देख लीजिएगा मुझे सवाल पूछने दीजिएगा बेल मत बजाइएगा ठीक है पहले ऑडियो हमने से देखा नहीं है मौजूद है कर। जी ये किसकी आवाज है ये आवाज किन की है कप्तान रह चुके हैं ए सरफराज अहमद बिल्कुल सही जवाब वीडियो दिखाई है हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी कस्बी सीने में मौजूद है कला में इलाही इतियाज मैंने लाकर कला में इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह क्या बात है इस वीडियो में एक सामाजिक कारकुन है उनका नाम बताइए बी जफर बिल्कुल सही जवाब सरफराज अहमद पीएसएल में किस टीम के लिए बी क्या ग्लैडिएटीव्स बिल्कुल सही सरफराज अहमद ने अपनी कप्तानी में कौन सा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी व्हिच ईयर 2017 बिल्कुल सही जवाब जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था उस वक्त कौन सा इस्लामी महीना था रमजान बिल्कुल सही जवाब सरफराज अहमद टी20 क्रिकेट में एक रिकॉर्ड के حامل ہیں بتا سکتے ہیں کون سا फराज अहमद टी ट्वेंटी क्रिकेट में एक रिकॉर्ड के हामिल हैं बता सकते हैं कौन सा माइनस टेन है इसलिए सोच समझ के जवाब दे रहे हैं नहीं पता ना जवाब दीजिए लगातार सबसे ज्यादा टी ट्वेंटी सीरीज जीतने का ठीक है जी आ, कुछ सवालत पे चलेंगे फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे खातिन में सबसे ज्यादा अहदीस किस

कौन उमुल मोमिन ने जंग यरमुक में शिरकत की किन उम्मुल मोमिन ने जंग नहीं हजरत जवेरिया रजी अल्लाह जी अगली वीडियो है ऑडियो है वीडियो वीडियो दिखाइए एक आयत का मफहूम है कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना कभी अगर ईमान वाले हो तो फ तुम्हारी होगी मेरा रब जिसने यूसुफ को ज़िंदान से मिस्र का बादशाह बना दिया वो हमें भी अपनी रहमत से महरूम नहीं रखेगा इन भाई, इन शाम ये सीन किस मशहूर कौन है बी राजी। बिल्कुल सही इस ड्रामे की प्रोडक्शन किस मुल्क में की गई सी टर्की बिल्कुल सही तुर्की के सदर का बी बिल्कुल सही इस किरदार का सी सीतान बिल्कुल सही अतकुल गाजी किसके वालिद थे ए uh, उस्मान बिल्कुल उस्मान बिल्कुल सही जवाब उस्मानिया कितने साल तक कायम रही सल्तनत उस्मानिया कितने साल तक कायम रही साढ़े चार सौ साल पाँच सौ साल या छः सौ साल जी साढ़े चार सौ साल छः सौ साल जी आगे बढ़ेंगे गजवा बदर में कितने अनसार होते हैं है? कितने सवाल कितने पूरा सुन लेती तो हैं आप माइनस टेन करवा दिया आपने गजवाए बदर में कितने अनसार साहबा शहीद हुए जी आठ बिल्कुल सही जवाब बदर के दिन आप सल्लल्लाहु सल्हस की कौन सी साहबजादी का इंतकाल हुआ हजरत रुकैया रजी अल्लाह हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा का निकाह किस के साथ? हज़रत उस्मान। बिल्कुल सही हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तन बिल्कुल सही जवाब हजरत आयशा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई बहुत सारी रिवायत भी हैं उनसे। हज़रत अबू हरीरा। बिल्कुल सही जवाब। हज़रत आयशा ने कितनी अहादीस की रिवायत? जी। 208 आदि। 286। 2020 आदीस हैं। जी। कुरान मजीद में किस दिन को यामुल फुरकान? कौन है? बी। ज़िंगेबदल। बिल्कुल सही। यामुल फुरकान से क्या मुराद है? सी। फर्क से और फर्क, फर्क हक और बातिल में फर्क का जवाब फासले पे है? तीन सौ मील अस्सी मील जंग में कुल कितने कुफार जहनुम कौन है सी अस्सी सत्तर कुरान मजीद की किस सूरा में बदर का सूर्य बिल्कुल सही जवाब गजवा बदर में किस काफिर की लाश को देख कर आप सल्लाम ने फरमाया था कि ये इस उम्मत का फरौन है आ, अबू जहल अबू जहल अबू जहल बिल्कुल सही अब हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे आ, पहले ए के लिए फिर बी के लिए फिर सी के लिए आपने हमें बताना है कि ये क्या है कौन है और ये क्यों है जी पहली तस्वीर ए के लिए ये कौन है भाई शाह महमूद कुरेशी बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़िए फिर सन्नाटा है जो बाइडन हाँ जो बाइडन बात है ना समझे आप सही नहीं कर रहे हैं आप जी आगे ये क्या है भाई फीफा वर्ल्ड कप बिल्कुल सही बिल्कुल सही अब भैया भी आपकी बारी है दिखाइए जरताज गुल क्या कहा आपने जरताज बोल आगे कोई इधर उधर भी देख भाई हाँ हिना रब्बानी खर जी अगली तस्वीर वेलडमीर प्यूटिन हाँ बिल्कुल सही आगे ये क्या हॉकी चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी की हॉकी की ट्रॉफी है वर्ल्ड कप जो होता है अब टीम सी आपकी बारी है जी पहली तस्वीर बिल्कुल सही आगे तैयार दुकान क्या बात है आगे पीएसएल की ट्रॉफी नहीं पीएसएल की नहीं है ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है क्रिकेट वर्ल्ड कप की जी एक मिनट हाँ भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप की है यार दो हज़ार तेईस की दो हज़ार तेईस की है ये उफ़ हम लोग गिलगित में थे और वहाँ पे हम जिस तरह ये ड्रामा जो अभी कल ख़त्म हुआ है उसकी शूट पे थे और इधर वर्ल्ड कप चल रहा होता था इधर हमारे सीन चल रहे होते थे ओए ओ और खालिद भट्ट साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए वो एक चलते सीन में भी मुड़ जाते थे यूँ करके कारण है मैं क्या जान दे गुस्सा ना करो तो वो खैर एक शुक्र लगा रहा वहाँ पे तो एनी anyway, अब हम बजर राउंड बज से हट के अब हम जा रहे हैं रैपिड फायर के ऊपर रैपिड फायर में सवाल नहीं समझ में आ रहा पास कर देना डोंट टेक टू मच टाइम ओके पहले ए फिर बी फिर सी रेडी ओके जी पाकिस्तान का सबसे छोटा सिविल एजाज कौन सा है पास खिदमत बाबुल कुरान किस सूरह मुबारक को कहते हैं बिल्कुल सही वो कौन सा परिंदा है जो अंडे नहीं देता पिंगविन की करेंसी का नाम बताइए शेलिंग बिल्ली की औसत उम्र क्या होती है बीस साल पंद्रह से सत्रह साल गोल्फ के मैदान को क्या कहते हैं कोर्स बैंकिंग की इस्लाह में यूबीएल किन अल्फाज का यूनाइटेड बैंक लिमिटेड नाइजीरिया के दारुल हुकूमत का नाम बताइए अबूजा कुरान मजीद की आखिरी आयत सजदा किस सूरह में आया है बिल्कुल सही उर्दू अदब का पहला ड्रामा निगार का नाम बताइए अमानत लखनवी हंगोल, नेशनल पार्क पाकिस्तान के किस नबी की कौम <coughs> पत्थरों का बिल्कुल सही आखिरी सवाल वाक किस इस्लामी महीने में पेश आया <coughs> <coughs> आज सुबह से गले में कुछ खराश सी है जी भैया आपकी तरफ बढ़ेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज कौन सा है नि, निशाने, पास अच्छा जी निशाने कल वे कुरान के सूरह मुबारक को कहते हैं बैंकिंग के इस्लामे एन बी पी के नाम पाकिस्तान बिल्कुल सही हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तुरान मजीदान

अल्ताफ हुसैन हाली गजवाह किस इस्लामी महीने में लड़ी गई रमजान शवाल सबसे ज्यादा अरसे तक पाकिस्तान के सदर रहने वाले शख्स का नाम बताएं बताए जनरल जयाउल टेनिस के मैदान को क्या कहते हैं कोर्ट कोट Quart. क्या कह रहे हैं फैसल भाई जी 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 जी, जी असल में तो हिजरत मदीना किस इस्लामी महीने में कीजर यून सलाम यूनुस पाकिस्तान के कौन से वजी अजम सबसे ज्यादा अरसे तक अपने पे फायज रहे खान लिया खान खुजराब नेशनल पार्क पाकिस्तान के किस हिस्से में है के पी के उर्दू पहला शख्सियत को करार दिया सौ बीस दिन कुराने मजीद में कौन सा हरूफ तहजी सबसे कम इस्तेमाल हुआ घोड़े की औसत उम्र क्या होती है सौ साल पच्चीस से तीस साल युगंटा के दारकूमत का नाम बताए की नहीं है की करेंसी का नाम बताए शेलिंग रिजल्ट दो भाई आज जो जीतेगा वो आगे कैसे लड़ेगा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा हमारे पास तो टॉप रिकॉर्ड दो है जी भैया क्या रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा तब तक मैं इस पर कुछ देख लू आ गया हाँ जी टीम ए 150 टीम बी 140 टीम सी 60 यानी कि हमारी आज की जो विनर हैं वो तैयबा खान है द ब्राइट विजन स्कूल से आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके साथ हरबियन का गिफ्ट हैम्पर है जी ये आपके साथ जाएगा ठीक है जी खालिद पकड़ लेना पकड़ क्यों नहीं रही उसमें क्या गर्म है क्या पंजनत बाय जे डॉट है ये आपके साथ जाएगा खालिद स्वीट्स का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा ओजी डेवलपर्स की जानब से ये गिफ्ट हैम्पर है जो आपके साथ जाएगा और इसके साथ वाइल्ड वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का एक साल का एक लाख रुपए की मेंबरशिप पूरी फैमिली के लिए यह आपके साथ जाएगी कॉन्ग्रेचुलेशन और आप लोग बस ब्रेक पे जाएं वापस आए जज साहिबान जरा यहाँ फैसला करने के लिए बेताब हैं बेचैन हैं और हम भी सुनना चाहते हैं कि आज क्या होने वाला है तो छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आ सलामकम जी आप सबको खुश आमदेद मुझे कुछ कहना है कि साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ज़रा दिल थाम लीजिए क्योंकि आज भी टॉपिक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है हमारे जज साहिबान आ, आस्तीने चढ़ा चुके हैं ये एक उस तरह से मैंने कहा है आ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है सफ़ाए दहर से बातिन को मिटाया हमने और देखना ये है कि आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो क्या करते हैं मोहम्मद तला लतीफ़ हैं एन यूनिवर्सिटी से आयशा रफ़ीक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से और मोहम्मद अब्बास हैं कराची यूनिवर्सिटी से तो सबसे पहले हम दावत देंगे मोहम्मद तला लतीफ़ साहब को कि वो आएँ और हमें आज की इस मौजू पर तकरीर सुनाएँ जी तला साहब बसमिल्ला सदर अली वक़ार चलिए चौदह सौ साल पीछे और देखिए कि मैदान जंग सजा हुआ है कि असलहे से लैस एक लश्कर जो अपने मद मुकाबिल को सफा हस्ती से मिटाने का अज़म लिए मौजूद है कि दूसरी जानेब हक का अलम लिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़्यादत में 313 का अजीम लश्कर मौजूद है कि जिनके पास ना तो मुकम्मल हथियार हैं और ना ही जंगी साजो सामान जी हाँ जनाबे वाला ये है योमार सदरे अली वकार हक और बातिल की ये जंग शुरू हो जाती है के देखते ही देखते तीन सौ तेरह एक हज़ार पर गालिब आ जाते हैं वो बातिल जो हक को मिटाने आया था वो खुद ही मिट जाता है और तीन सौ तेरह का यह अजीम लश्कर सदाएं बुलंद करता है कि मुबारक हो सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने जब बातिल सर उठाने लगता है तो उसे मिटाना नागुज़ीर हो जाता है सदर ए आली वकार और तारीख शाहिद है कि हमने फारूक आजम की सूरत में कैसर और किसरा से बातिल को मिटाया हमने मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में सरजमीन सिंध से बातिल को मिटाया हमने

मुकद्दर ना भूलना आली वकार बातिल चाहे इसराइल की सूरत में फलस्तीन में हो या कश, भारत की सूरत में कश्मीर में या दुनिया के किसी भी कोने में इसे मिटाना हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे क्योंकि हमारी तारीख शाहिद है कि सफा दहर से बातिल को मिटाया हमने सफा दहर से बातिल को मिटाया हमने शुक्रिया आगे बढ़े ठीक है आयशा रफीक साहब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से वो दूर साहिल पर खड़ा एक मुसलमान है वो यहूदियों की पुकार पर जो अपने जालिम बादशाह के जबर से परेशान थे सल्तनत पर हक का परचम लहराने आया है वो कश्तियाँ जलाने का हुक्म देता है इन जलती कश्तियों से भड़कती आग के शोले उसके जमजुओं की रूहों में मौजूद अजम की अक्कासी कर रहे हैं कि अब लौटने का कोई रास्ता बाकी नहीं आगे दुश्मन हक तलवार लिए उनका इस्तकबाल करने खड़े हैं मगर उनकी बहादुरी उनके सामने खड़ी ताकतों से बेनियाज है सदर अली वकार के हर गुजरते मील के साथ वो अपने पीछे कामयाबियों के निशान छोड़ रहे हैं और बिलाakhir जब तारिक बिन ज़ियाद और उनका लश्कर रोडरिक को मार गिराता है तो ज़ुल्म का सूरज غروب होता है और दूसरी जानब से ये सदा बुलंद होती है कि ज़ुल्मत शब में हक़ का दिया जलाया हमने सफ़हए दहन से बातिल को मिटाया हमने कि जब बातिल ने फलसफे के नाम पर खुदा की जात पर सवाल उठाया तो हमने इमाम गजाली की सूरत के से आयाते वहदानियत का नारा लगाया आर्ट की सूरत अंग्रेजों को जेर करके उन पंजों को उखाड़ फेंका जब बातिल ने जुनूबी अफ्रीका को रंग और नस्ली इम्तियाजा की बुनियाद पर तारीख करना चाहा तो हमने नेल्सन मंडेला और स्टीव बीको की सूरत मुजात की किरणों से उन अंधेरों को चाक किया और जब बातिल ने इंसानी जिस्मों को गुलामी की जंजीरों में जकड़कर कर अकलो फहम का दिया बुझाने की कोशिश की तो हमने फ्रेडरिक डगस की सूरत उन उ, अप, अ, हमने फ्रेडरिक डॉल्स की सूरत अपने कलम से हिकमत के शोले भड़काए कि बातिल ने जिस दौर में और दुनिया के जिस कोने में अपना शर फैलाया हम अक्केम्बरदारों ने महज यही सदा बुलंद की कि तुमने हर अहद में नस्लों से गद्दारी की तुमने बाजारों में अकलों की खरीदारी की आज तुम मुझसे मेरी जिनसे वफा मांगते हो आज तुम मुझसे मेरी जिनसे जिया मांगते हो आज तुम मुझसे मेरी जिनसे जिया मांगते हो हलफे जहनो ये जा मांगते हो मुझसे पूछोगे तो खंजर से उदू बोलेगा गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा क्योंकि हम वो जुनूजादे हैं जो बातिल की शफाक तारीखियों को मिटाने की खातिर खुद मिसले शमा जलने का हुनर रखते हैं शुक्रिया मोहम्मद अब्बास हैं कराची यूनिवर्सिटी से आइए जी इश्क के तीन हरूफ बदर के तीन हरूफ का सदका है सदर वकार ये खार मुखील से सजा बदर का मैदान है कि जहाँ तीन सौ तेरह का लश्कर अपना जिगर आजमाने को तैयार खड़े हैं तो दूसरी जानब सितमगर अपना सितम आजमाने को तैयार हवस जब हवास को मुख्तल कर दे तो बातिल को, को हक के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है सदर अली वकार इधर हवस इतदार की हवस इधर इधर जस्तजू जन्नत की जस्तु इधर गुरूर माल का गुरूर इधर आरजू, आब कोसर की आरजू, इधर तमन्ना जीने की तमन्ना इधर जस्तजू शादत की जस्तजू और जब एल ईमा ईमा की रोशनी से सरशार हो तो मुखालिफ संप में लश्कर नहीं देखे जाते मंजर बदलता है सदर आली वकार तीन सौ तेरह का लश्कर हज़ार के लश्कर पर हावी आता है और ये सदा बुलंद होती है सफ़ा दहर से बातिल को मिटाया हमने नुए इंसा को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने सफ़ा दहर से बातिल को मिटाने की ये रिवायत हाय कर्बो बला तक जहाँ पहुंची के जहाँ नौ लाख के आगे फकत बहत्तर का लश्कर तो दूसरी जानब

मगर हम खामोश ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग पर मातम करने वाले शामो बर्मा में जलते मुसलमानों का घर देखते रहे मगर हम खामोश सरजमीन और गजा में हाय भूख हाय प्यास की सदा लगाते तड़पते बिलकते बच्चों की फरियाद मगर हम खामोश छलक रही हैं अजमत लहू की धाड़ में तड़प रही हैं वादियां तुम्हारे इंतजार में उठो उठो के जुलमो ज्यादती का इंसदाद फर्ज है गर जिहाद अब नहीं। तो कब जिहाद फर्ज है जी मैं तीनों से दरख्वास्त कि आज है जी देखें सबसे पहले तो फैसल भाई आज के दिन की मुनासबत से मैं ये बात करना चाहूँगा कि आम तौर पे मुसलमानों में हमने ये देखा है कि जब भी गजवा बदर का दिन आता है या फतह मक्का का दिन आता है तो हमारे बच्चे या हमारी आने वाली नस्लों को जो है ना हम ये चीज़ कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं ट्रांसमिशन के ज़रिए तो हम दिन मना लेते हैं लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं स्कूलों में या दीगर जगह पर मुख्तफ चीज़ों का दिन मनाया जाता है मुबारकबादें दी जाती हैं लेकिन हमें अब बाकायदा तौर पर अपने बच्चों को बताना होगा कि फतह में क्या हुआ था गज़ा बद्र में हमारी कान भी और खुशी का दिन था जिस तरह से हम 14 अगस्त मनाते हैं दिफा पाकिस्तान मनाते इसी तरह से हमें यह दिन भी मनाना चाहिए पहली बात दूसरी बात यह है हमारे जो पहले मुकर आए थे देखिए सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया की कोई बात नहीं बात नहीं आपका कॉन्टेंट बहुत आला था लेकिन अंदाजे गुफ्तू की बात आ गई जहां पर तो उसमें थोड़ा सा हमें जो है वो आपको मजीद मेहनत करने की जरूरत है दूसरी मुकर्र आई देखे आप बहुत बारीकी की बात में बता रहा हूँ सफेदिल को मिटाया हमने अलामा इकबाल इसमें मुसलमानों की बात कर ठीक है अपने हम अकाबरीन की बात कर रहे थे लेकिन आपने मिसाल गिनवा की, फ्रेडरिक की जॉन ऑफ आर्क की अगर आप इसको ओपन ग्राउंड पर खेलती हैं ठीक है हम अगर इसको सेकुलरिज्म की बुनियाद पर टॉपिक को लेकर चलते हैं तो फिर ये कंसिडर होगा दो, दोनों जजे इस पर फैसला करेंगे मेरे नजदीक तो मैंने इसको कंसिडर किया है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारा मुकाबला देख रहे होते तो हैं फिर वो अपनी राय देने लगते हैं तो हमने कंसिडर किया है लेकिन क्या ही बेहतर होता कि जहां तारिकासम की बात हुई थी फिर मोहम्मद बिन कासिम की होती और जो हमारे अकाबरीन हमें लगता तीसरे जो मुकर आए आपने कहा कि इधर जिहालत उधर जो है वो मोहब्बत इधर इकतदार उधर शहादत तो ये आपने इशारतन तो बात की बेटा लेकिन आप उसका शवाहिद हमें नहीं दे सके आपने शुरू के जो चालीस सेकंडों में बात की ना उसके बाद हमें पता नहीं चल सका कि आप बात कर किस की रहे थे अब्बास ठीक है आखिरी में मैं मुस्तफा जैदी के हवाले से जो आपने पढ़ने की कोशिश की उनकी नज्म बदकिस्मती से फैसल भाई उन्होंने खुदकुशी की थी मुस्तफ़ा जैदी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी आपने उसको थोड़ा सा गलत पढ़ दिया मैं उसको सही कर देता हूं कि तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की तुमने बाजारों में अकलों की खरीदारी की ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की खौफ को रख दिया खिदमत पे कमादारी की और आज तुम मुझसे मेरी जिनसे गिरा मांगते हो हल्फे जहनो वफादारी है जा मांगते हो जाओ ये चीज किसी मदह सरा से मांगो ताइफ वालों से ढोलक की सदा से मांगो मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा ये पूरा इस तरह से ठीक है बाकी हमारे दीगर आज तलहा लतीफ आपका कंटेंट बहुत अच्छा था अंदाज़े गुफ्तगू में बहुत बार ऐसा महसूस हुआ मैं आज हमारा सतरवा रोज़ा है इस पर आकर हमें यह महसूस होना चाहिए कि भाई आपको मेरे ख़्याल में टॉपिक्स तकरीबन चार दिन पहले या दो दिन पहले तो मिल ही जाते हैं तो अगर आप अच्छे से तकरीर की तैयारी करें उनवान को प्रॉपर तरीके से हमने देखा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वो अपनी तकरीर को नहीं भूलते हैं कहीं अटकते नहीं हैं तो हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कििबा उनकी तैयारी वो सुनाते हैं अपने वाले को बार बार अगर यही आप भी अपनी प्रैक्टिस में रखें कि कम अज़ कम तीन से चार मरतबा आईने के सामने ही अगर आप अपनी तकरीर को दोहराते हैं तो यह आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता था कॉन्टेंट बहुत अच्छा था लेकिन आपके जो नंबर्स जो कटे हैं यहाँ पर उसकी एक बुनियाद ये थी कि आप जगह जगह पर तकरीबन पाँच से सात मरतबा आप जो है वो अपनी तकरीर को भूलें हैं बात करेंगे आयशा की मुझे आपका अंदाज भी बहुत अच्छा लगा आपका कंटेंट भी अच्छा था और मैं यही बात करूँगी क्योंकि चूंकि हम तमाम लोगों की बात कर रहे हैं तो चाहे किसी भी तरह की कोई भी तमसील बयान की जाए मिसाल बयान की जाए उसको मेरे ख़्याल में कंसीडर किया जाना चाहिए बाकी दो हमारे जो जजेज़ हैं वो फैसला करेंगे अब्बास की अगर हम बात करें अखीर में आकर आपका जो कंटेंट था वो बिल्कुल तब्दील हो गया था आप बात कहीं हमने बात करनी थी सफ़ा दहर से बातिल को मिटाया हमने हमारी जो जो कामयाबियाँ थी ना हमने उसको डिस्कस करना था कि हम किस किस कामयाबी को कर चुके हैं ठीक है तो अगर हम इस पर ज़्यादा बात करते हम अपनी कामयाबियों पर और मज़ीद फ़तह मक् की बात हो सकती थी जैसा कि इन्होंने भी कहा कि फ़तह मक् की बात हो सकती थी इसी तरह से रसालत माँ आपल वसम की ज़िंदगी से हम थोड़ा सा सबक लें तो कितनी जल्दी से उन्होंने जो है वो लोगों में एक तब्दीली किस से आई थी सदाकत और अमानत के ज़रिए से तो उसको भी डिस्कस किया जा सकता था अख़र में कुछ एक लफ्ज़ मैंने गलत पढ़ा जो मैंने गलत सुना था वो था नो नो इंसानी नो इंसानी नो इंसानी जी तो सबसे पहले जो हमारे मुकर है वैसे तो मैं चाहूँगा कि सारी बातें वैसे दोनों जजेस साहिबा ने बता दी हैं साहिबान ने अब मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँ मोहम्मद तलहा लतीफ़ आप बस तैयारी अच्छी करें बाकी चीज़ें आपकी अच्छी हैं आपका कॉन्टेंट अच्छा था आपकी डिलीवरी अच्छी थी आपने हजरत उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तौर की मिसाल दी बहुत अच्छा लगा उसके बाद आपने रज़िया जान की मिसाल दी जरब अज़हब की बात की इसराइल हिंदुस्तान की बात की जो आज के बादल हैं उनके खिलाफ भी हमें खड़ा होना है तो इस तरह की बातें अच्छी हैं कि हमें आज की यजीत को भी ललकारना है और साथ साथ जो आयशा रफीक हमारी दूसरी मुक्रा आपकी मिसालें बहुत अच्छी थी यानी कि मिसाल के तौर पर कोई इंसानियत के खिलाफ कोई चीज़ हो रही है और मैं उस चीज़ के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ तो वो हक है उस वक्त तो इसमें हक के लिहाज से हम कोई भी मिसाल डाल सकते हैं मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपसे इमाम गजाली की आपने मिसाल दी आपने जोन अफवार की मिसाल दी आपने नैलसन मंडेला की मिसाल दी अच्छा लगा कि आपने टॉपिक को हर तरफ से कवर करने की कोशिश की मोहम्मद अब्बास आपकी तकरीर भी बहुत अच्छी है और आपने सलाउद्दीन ऐबी की मिसाल दी आपने करबला की मिसाल दी और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हमें सुनने को मिली लेकिन आज का

पंजनत और ख़ालिद स्वीट्स की तरफ से भैया ये आपके लिए है ये लीजिए और आयशा आप बाहर आ जाएंगी ओ सी डेवलपर्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए ये ले लीजिए कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत मुबारक और आयशा आइए 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 तीनों आइए और ये वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से आपके लिए एक लाख रुपए की फैमिली मेंबरशिप है फॉर वन ईयर बहुत बहुत मुबारक आपको हम अपने जजेस का शुक्रिया अदा करते हैं थैंक यू सो मच मुझे भी काफ़ी मुश्किल लग रहा था uh, जब मैं सुन रहा था बट वेरी वेल आप लोगों ने बड़ा अच्छा उसको कवर किया है थैंक यू थैंक यू सो मच कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है छोटा सा ब्रेक लेते हैं बट एल गिफ्ट है जी बेस्ट रेसिपी पे और ये हमारा किचन का सेगमेंट होता है ओजी डेवलपर्स की तरफ से एल दी जाती है क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसिस आर इंस्पायर एंड एलिवेट और आज की जो बेस्ट रेसिपी हुई है ठट्ट से सोगरा बीवी हैं उनकी रेसिपी जो है वो बेस्ट रेसिपी करार पाई है कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत मुबारक हो बहन अल्लाह पाक इस तरह के और भी बहुत सारे इनाम आपको मिलें और ओजी डेवलपर्स की तरफ़ से ये एलईडी आपको या तो पहुंच जाएगी या किसी को भेज दीजिएगा ठट्टा इतना दूर नहीं है सो अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप सलाम अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट आप बताइए बिल्कुल ठीक ठाक जी तो हम मौजूद हैं लाइफ बॉय के काउंटर पर और किचन में जाने से पहले हम हमेशा लाइफ बॉय से हैंड वॉश करते हैं क्योंकि लाइफ बॉय हमें देता है 100 परसेंट स्ट्रॉगर जम्प प्रोटेक्शन वो भी जस्ट टेन सेकेंड्स में तो वो ख़ात जो किचन में जाती हैं तो किचन में जाने से पहले खाना पकाने से पहले और खाना पकाने के बाद लाइफ बॉय ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप जो है किचन में जर्म से महफूज रहें ठीक है जी अच्छा जी अब हम आ गए अपने किचन में और आज हम किचन में बड़ी ज़बरदस्त सी एक रेसिपी बनाने वाले हैं आपको पता है कि हमारा पार्टनर है सुब्रोसो और सुब्रोसो ने पूरा मंथ हमारा बड़ा साथ दिया है आज भी हम इनकी रॉ चिकन यूज़ करते हुए एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी क्रिएट करने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि सब्रोसो की चिकन न सिर्फ हेल्दी एंड हाइजेनिक होती है बल्कि इसमें ह्यूमन कॉन्टैंट बहुत कम ह्यूमन कॉन्टैक्ट होता है है यहाँ पे ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिक होती हैं ज़्यादातर मशीनरी से काम किया जाता है बट जब जानवर हलाल किया जाता है जब चिकन को हलाल किया जाता है तो तकबीर पढ़ के वो काम हाथ से किया जाता है तो बिंगा मुस्लिम हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम इसको हलाल चीज़ को यूज करें अच्छा जी राइट आज हम किचन में बनाने वाले हैं कबाब कुल्फी फालूदा ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कबाब कुल्फी फालूदा ब्रेक ले लो भाई बिल्कुल ब्रेक से आगे सुनेंगे क्या रेसिपी है सलामकुम जी रमज़ान और सेहत में आप सबको खुश आमदेद कहते हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर इकराम साहब यहाँ पे मौजूद हैं और उसके साथ आ, क्या कह रहे हैं जी और साथ में जो है वो आ, कुल्फी कबाब बन रहे हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है कबाब जी हाँ कुल्फी नहीं गुर्दे तो ये ये बता रहे हैं में गुर्द, के बारे में। अच्छा अच्छा दो चीजें मिक्स हो गई वही मैं सोच रही थी मैंने तो गुर्दों का तो कोई जिक्र नहीं किया था जी जी हम बना रहे जिक्र हम अक्सर नहीं करते और लोग समझते नहीं है इस बात को <laughs> सही अच्छा इसकी बेसिकली एक लॉजिक है जिसका नाम ये रखा गया है हमने बेसिकली बनाए हैं कबाब लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं ना वो कुल्फी स्टाइल में करें फालूदा स्टाइल में करें तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि वाइट सॉस सबको बनानी आती है मैंने इसमें लिया है टू टेबल स्पून ऑफ़ बटर टू टेबल स्पून ऑफ़ मैदा उसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा मिक्स किया और इसके साथ अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन टू कप्स ऑफ मिल्क ये डाल दें आप और डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे थोड़ा सा हम इसके अंदर क्या करेंगे तीखा है तीखा तीखा है है ये थीका है, थीका अच्छा है। अच्छा? जी 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 वाइट सॉस है बेसिकली बस ये लुक आ रहा है कुल्फी का इसलिए इसका नाम रखा है है राइट right. इसमें वन टी हमने डाला है ऑरिगेनो वन टी हम इसमें डाल रहे हैं ब्लैक पेपर ठीक है जी इसके साथ हम डाल रहे हैं वन टी सॉल्ट सही है जी अब हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर जब तक ये पक रहा है मैं आप लोगों को बताती हूँ हम इसमें कबाब जो है वो किस तरीके से बना रहे हैं कबाब में हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है चिकन का कीमा है मैंने इसको मशीन से जो है वो पिसवा लिया था वो है हमारे पास तकरीबन आधा किलो कीमा है जब तक ये बन रहा है इसमें हम ऐड करते हैं सारी चीज़ें इसके अंदर हम डाल रहे हैं वन uh, टी स्पून ऑफ मटन का भी डाल सकते हैं कीमा बिल्कुल डाल सकते हैं आप लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा फिर आपको उसको मैरिनेट करके रखना पड़ेगा ठीक है वन टी स्पून हमने इसके अंदर डाला है uh, जिंजर गार्लिक पेस्ट बाकी हम इसके अंदर डाल रहे हैं वन टी स्पून पेपर वन टी स्पून ऑफ़ सॉल्ट वन टेबल स्पून इसमें जा रहा है सोया सॉस ठीक है जी उसके साथ हम क्या कर रहे हैं वन टी स्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर ठीक है और ये जा रहा है पेपरिका भी जा रहा है वन टी स्पून ये सब हमारा वन वन टी स्पून जा रहा है और इसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे चने जो होते हैं काबली चने वो हमने बॉईल करके इसको भी हमने पीस लिया था अच्छा ये सारा काम ना आपके पास चॉपर में होगा ये सब चीज़ें चॉपर में डाल दीजिएगा जितना आपका चिकन है उसका वन फोर्थ यानी कि अगर आधा किलो चिकन है तो तकरीबन आधा पाओ आपका जो है ना ये चने जाएंगे इसके अंदर मैंने पीसे इसलिए थे क्योंकि हम यहीं इसकी मिक्सिंग करेंगे ठीक है इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ आपने क्या करना है इसकी सॉफ्टनेस के लिए इसकी ग्रिप के लिए एज अ बाइंडिंग एजेंट आपने यूज़ करने हैं ब्रेड के तीन स्लाइसिस उसको थोड़ी देर पानी में डिप किया फ़ौरन निकाल लिया आपने उसको इस तरह से हमने पानी सारा निकाल के डाल दिया बट यहाँ मैंने क्या किया मैंने उसके क्रम्स बना लिए हैं ठीक है हमने इसको डालना है इसके अंदर और इसमें डालने के बाद आपने ये तमाम चीज़ें जब आप चॉपर में करेंगे तो बहुत ही आराम से ये मिक्स हो जाएंगी ठीक है जी आपने अब इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसमें आपने ये करना है कि मेरे पास यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड मौजूद है उस पर आप लोग इसको स्प्रेड कर सकते हैं अदरवाइज अगर आप हाथ से इसकी शेप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं मैं यहीं लाती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ये हमारी वाइट सॉस दिखाते दिखा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से भी बात जी जी गुर्दों की अहमियत क्या है फैसल तस्वुर करें कि खुदा न खासा यहाँ पर हमारे नलकी लगाई जाए यह हाथ में और हम हफ्ते में तीन दफ़ा अपॉइंटमेंट लेकर इंतज़ार करके हॉस्पिटल जाएं, एडमिट हों और चार घंटे के लिए लेटें और हमारी पूरी बॉडी का ब्लड उस नलकी के जरिए एक मशीन में जाए और चार घंटे बाद सर्कुलेट हो के वो वापस आए इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस ने यही अमल कुदरती तरीके से मेरे और आपके गुर्दों में एक दिन में दो लीटर ब्लड डायलिसिस का डबल से भी ज़्यादा यही जो अल्लाह ताला ने नमतें हमें दी हैं इसीलिए कि कुरान शरीफ में कहा है कि फ़ब आई ये आला रब को मतुका ज़बान पाँच ऑर्गन्स ऐसे हैं जो वाइटल हैं जिनके बगैर ज़िंदगी नहीं जिंदा नहीं रह सकता इंसान टांग के बगैर आँख के बगैर कान के बगैर इंसान ज़िंदा रह सकता है लेकिन गुर्दे के बगैर फेफड़ों के बगैर लंग्स के बगैर और इसके अलावा दिल के बगैर दिमाग के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता राइट सो so, गुर्दे जो हैं वो ख़ास तौर पे क्योंकि माह रमज़ान है और हम माह रमज़ान की ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो इसके इसकी, इसकी वजह से पर्टिकुलरली गुर्दों की अहमियत जो है वो दो चंद हो जाती है दोगुनी हो जाती है सो so, गुर्दों की अहमियत यही है कि गुर्दों की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक छलनी जब हम खाते हैं पीते हैं सांस लेते हैं तो जो ख़राब गैसेस बनती हैं जैसे गाड़ी के जब आप एक्सीटर दबाते हैं तो धुआं निकलता है ना पेट्रोल फिल्टर सो वो जो फासद मादे टॉक्सिक अनवॉन्टेड सब्सटेंसेज हैं वो ब्लड में जमा होते रहते हैं और अगर गुर्दे ना हो गुर्दों की छलनी ना हो फिल्ट्रेशन ना हो तो वो सारे फासद मादे गुड़ हमारे ब्लड में जमा होकर हमारा क्रेटेनाइन लेवल बढ़ा देंगे और नतीजतन खुदा नखास्त इंसान की मौत वाकई हो जाएगी इसी वजह से गुर्दों के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते सो गुर्दों की अहमियत बड़ी वाइटल है और माह रमज़ान में खसूसी तौर पर हम इसका बासानी ख्याल रख सकते हैं कि गलत फहमी ये पाई जाती है कि इंसान पानी कम पी रहा है और गर्मी लग रही है पसीना आ रहा है तो गुर्दों पर असर पड़ता है लेकिन एक नॉर्मल आदमी जिसको गुर्दों की बीमारी ना हो और कोई मेजर इशू ना हो वो आराम से अवतार और शहर में इसकी कमी पूरी करके रोजे पूरे रख सकता है हाँ हाँ काफ़ी हार्स होते हैं मतलब आप जी शाम अगर पौने सात बजे से सुबह के साढ़े पाँच बजे तक का टाइम लगाएं तो अच्छा खासा टाइम अच्छा खासा टाइम है।, है जी बिल्कुल तो उसमें पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है।, है।, है गुर्दे ख़राब कैसे होते हैं और उसका पता कैसे चलेगा कि कै कुछ गड़बड़ चल रही है अंदर जी सो पाकिस्तान में जो टॉप रीज़न्स हैं गुर्दों के ख़राब होने के वो नंबर वन है डायबिटीज़ शुगर जयाबीत की जो बीमारी है इस वक्त पाकिस्तान में हर दस में से चार लोगों शुगर के शिकार हैं नंबर टू आप रख लीजिए हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं और पाकिस्तान में अगेन हर दस में से तीन लोग हाई ब्लड प्रेशर तो so का शिकार हैं है सो ये डेडली कम्बिनेशन है मैंने फैसला हूँ साथ में, में यानी मतलब नहीं है हाई ब्लड प्रेशर अलहमदल मतलब अल्लाह का शुक्र है अलहमद लाला और इसका क्रेडिट जाता है आपके अच्छे लाइफ स्टाइल को और आपकी एक्सरसाइज को नींद को जैसा आपने फरमाया था मैं ग्यारह बजे सो जाता हूँ सो इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि नंबर वन नॉट इन रमजान मतलब रमजानों में सो डायबिटीज yeah. so, हो गई नंबर टू आपके हो गए हाई ब्लड प्रेशर और नंबर थ्री किडनी स्टोंस गुर्दे में पत्थरी सो so, ये तीनों चीजें डेडली कम्बिनेशन है और उसके बाद जो चौथा रिस्पेक्टर है वो पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स की सेल्फ मेडिकेशन मेडिकल स्टोर के पास वाले के पास गए बगैर डॉक्टर से कंसल्ट कि यार मुझे गले में खराश हो रही है फला चीज़ दे दो मेरे जोड़ में दर्द है कोनी में दर्द है मुझे दे दो ये जो एक्सेसिव अननेसेसरी यूज है एंटीबायोटिक्स का और पेन किलर्स का ये भी गुर्दे तबाह कर अभी मेरे साथ डॉक्टर डॉक्टर साहब आए हुए थे वही डायलिसिस के हवाले से बात हो रही थी उन्होंने भी एग्जैक्टली exactly यही कहा था कि खुदा के वास्ते ये ये जो पेन किलर्स होती जी, जी। है, ये इसकी जरा कम कम करें कम करें और पता तो भी नहीं चलता है क्योंकि गुर्दों की बीमारी जब तक के बम नहीं फटता इंसान ये खामोश कालर है साइलेंट किलर है गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता बात काट रहा हूँ अक्सर ये होता है कभी ना आपकी बॉडी में बड़ा पेन हो रहा होता है तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्यों इतना पेन हो रहा है आप जरा पानी की इनटेक बढ़ाते हैं वो पेन दूर हो जाता है ऐसे जलन हो रही होती है ना हल्की सी थकावट है जी, जी, आप जरा फटीक हो रही कर रहे हैं फटीग हो रही है आपने पानी का इनटेक लिया या आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और सारा पेन जो है वो फिर बॉडी लाइट हो जाती है बिल्कुल सो ये ये भी समझना जरूरी है लोग उसका हाल ये समझते हैं हाइड्रेट रखना जरूरी है ये आप जो है वो टक करके टप लें अपना क्या कहते हैं दवा ले ली दवा ले, 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 हाँ, ले लिया जी, आप पानी पी के देखें आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेके देखें सो so, फैसल आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि मालूम कैसे हो एक आम आदमी को कि यार समथिंग इज रॉन्ग जहर टेस्ट से तो मालूम हो ही जाएगा अल्ट्रासाउंड से या ब्लड टेस्ट वगैरह से लेकिन सबसे पहली जो निशानी है वो समझिए कि चेहरे पर पफीन सूजन ये जो हमारी लोअर आईलिट्स हैं अगर कैमरा फोकस कर सकें तो मैं दिखाना चाहूंगा ये जो लोअर आईलिट्स हैं हमारी ये जब फूलना शुरू हो जाए इनमें सूजन हो जाए वरम हो जाए सोजिश हो जाए या चेहरे पे पफीनेस हो जाए या पैरों में पफीनेस हो यानी अगर आप अपने टखने के पास अंगूठे से दबा रहे हैं तीस सेकेंड तक और घड़ा पड़ रहा है अंगूठा हटाने के बाद इट कुड बी एन इंडिकेशन कि समथिंग इज़ रॉन्ग खुदा ना खास्ता आइदर विद हार्ट जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं या गुर्दे यानी चेहरे की सूजन हो गई पुतलियों की ये जो नीचे हमारे जो आइलेट्स हैं इनकी सूजन हो गई और इसके अलावा पैर की टखनों की सूजन हो गई ये गुर्दे की पहली इंडिकेशन हो सकती है इसके अलावा ऐसा दर्द जो बैक से साइडों में फ्लैंक्स में आ रहा है या नाफ तक आ रहा है और गुर्दे का पेन जब खुदा न खास्ता होता है ना तो इतना शदीद होता है कि पेन की कैटेगराइजेशन की गई थी जिसमें एक लेबर पेन डिलीवरी का पेन और गुर्दों के पे, गुर्दे के पेन को टॉप पे रखा गया था इंसान सीधा नहीं बैठ सकता इसमें रोल अप हो जाता है बिल्कुल ऐसे और चीखता है चिल्लाता है इसका जो टेस्ट होता है क्या कहते हैं क्रैटिन जी जी सो so, पहले तो हमने इसकी हाँ। क्रेटिन जी पहले हमने इसको देख लिया कि अमामात क्या हैं और उसके बाद डॉक्टर फर्दर कन्फर्म करेगा दो चीज़ों से अच्छा एक चीज़ और रह गई वो ये कि अगर यूरिन पास करने के बाद उसमें फोम झाग ज़्यादा देर तक रह रहा है और बैठ नहीं रहा तो दिस कुड ऑल्सो बी इन इंडिकेशन के समथिंग इज रॉन्ग सो आपके सवाल का जवाब कि क्रिटनीन जो है वो ब्लड में होता है जब क्रिटीन एक सर्टन वन पॉइंट थ्री से ऊपर बढ़ जाता है तो फिर आप गुड़ ये इंडिकेशन हो सकती है गुर्दे सही काम नहीं कर रहा है दूसरी चीज यूरिन टेस्ट जब हम करवाते हैं तो उसमें प्रोटीन यूरिया जब प्रोटीन आना शुरू हो जाए लेकिन यह हम लैब्स में चलेगा गए ये पता चलेगा टेस्ट है जो शुरू की अलामत बताई एक आमद भी, भी अंदाजा कर सकता है समथिंग इज रॉन्ग दवाइयों से हो जाता है कंट्रोल सो क्रिटीन लाइफ स्टाइल एक्चुअली दवाओं से कंट्रोल नहीं होता दवाएं सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं वक्ती रिलीफ देती हैं आपको प्रोटीन की कंजम्पशन कम करनी पड़ती है और अपना लाइफ स्टाइल बेहतर बनाना पड़ता है आ, पानी का इंटेक अकॉर्डिंगली बताएगा आपको यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट जो है जो जो किडनी स्पेशलिस्ट होता है बताएगा कि आपकी कंडीशन के लिहाज से पानी इंटेक बढ़ाना है या कम करना है सो so, अगेन हम बार बार लाइफ की बात करते हैं कोई भी ऑर्गन हो कोई भी मसला हो जहनी सेहत हो जिसमानी सेहत हो इमोशनल सेहत सेहत हो या रूहानी सेहत हो लाइफ स्टाइल इज कलीदी किरदार वाइटल रोल प्ले करता है इसमें सो so, अगेन uh, मैं ये कहूँगा किडनीज के, के हवाले से बहुत ज्यादा टेक केयर करें इसको बिल्कुल हल्का ना लें क्योंकि अल्लाह ना करे अगर डायलिसिस पर आ गया इंसान एक दफा तो उसका कोई हल नहीं है माँ से हेपेटाइटिस जो है वो लीवर सिरोसिस में जा चुका है तो इवेंचुअली जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ना उनकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म कर रहा है वो पूरा लीवर कर रहा है और लीवर सही काम नहीं कर रहा हेपेटाइटिस यानी लीवर की सोजिश सो हेपेटाइटिस ये तो वक्ती ही अरकान को कहते हैं लेकिन हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी या दूसरी जो टाइप्स हैं जब सिरोसिस में आ गया या खुदाना जैसे इंसान अगर अल्कोहल लेने की वजह से सिरोसिस में जा रहा है तो इवेंचुअली उसका असर किडनी पे भी पड़ेगा क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएंगे उसके ब्लड में और फिल्ट्रेशन का काम किसका है छलनी का काम किसका है गुर्दों, गुर्दों का सो इनडायरेक्टली इवेंचुअली असर पड़ेगा गुर्दों पर सो यस आपके सवाल का जवाब है यस yes. हेपेटाइटिस की वजह से भी इनडायरेक्टली गुर्दे सारी चीज़ें ही मुतासर होती हैं इंसान की और क्योंकि लीवर इट सेल्फ फैसल वाइटल रोल प्ले कर रहा है ना वाइटल ऑर्गन है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते गुर्दों का एक दफ़ा ख़राब हो गए क्रोनिक किडनी डिजीज सी जिसको कहते हैं उसके बाद इसका कोई देर पा इलाज नहीं है मां सिवाय ट्रांसप्लांट के और ट्रांसप्लांट भी गैर कानूनी आपको पता है कितने होते हैं और हो रहे हैं सो so, जो बड़े क्रेडिबल इदारे हैं वो इसीलिए कहते हैं कि अपने किसी ब्लड रिलेटिव को लेकर कैसे कैसे ख्याल कैसे रखें गुर्दों का राइट right. सो so, गुर्दों का ख्याल सबसे पहले तो अगेन मैंने वही कहा कि लाइफ स्टाइल बेहतर हो इंसान का प्रॉपर एक्सरसाइज करें नींद बेहतर करे और दूसरी चीज यह सवाल अक्सर पूछा जाता है डॉक्टर साहब एक आम आदमी एक एडल्ट मर्जे औरत कितना पानी पिए थ्री पॉइंट सेवन लीटर्स एक आम एडल्ट खातून जो नॉर्मल हो अदरवाइज वो पी सकती है उसको पीना चाहिए यानी एक लीटर में ढाई सौ एम के चार गिलास होते हैं यानी आप समझ लीजिए सोलह गिलास पानी और मर्दों के अट्ठारह से बीस गिलास इन एवरी ट्वेंटी फोर आवर्स चौबीस घंटों में बीस गिलास तक पानी मर्दों को पीना चाहिए और 16 से 18 खातन को पीना ग्लास चाहिए गिलास का मतलब हो गया तकरीबन चार लीटर पानी चार लीटर पानी बिल्कुल ऐसे ही है सो so, ये मर्द हजरात के लिए रिकमेंडेड है और 3.7 लीटर यानी 16 से 18 खातन के लिए रिकमेंडेड है प्लस अगेन उन चीज़ों से बचें जिनसे गुर्दों की बीमारी हो रही है हाँ। सेल्फ मेडिकेशन ना करें पेन किलर ना लें जरा जरा सी बात पर इसके अलावा खुदा का वास्ता शुगर हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें कबूतर बिल्ली वाली अप्रोच ना अपनाएं कि यार मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा कुछ निकल आया तो जिंदगी भर टेंशन में रहूंगा ये होता है ना कि जो बिल्ली को देख कर कबूतर आंखें बंद कर लेता है लेकिन उससे तो करने से आजाद नहीं बचती हाँ मैं हमारे यहाँ के नहीं नहीं यार टेस्ट नहीं कराना है हमें कुछ ना कुछ निकाल देते हैं वो भाई वो पागल है।, है। वो पागल है वो आपके ब्लड के अंदर कुछ मिला के निकालते हैं आप पहले प्रिकॉशन एक चीज़ होती है टेस्ट करवाते रहा करें हर साल मैं आता हूँ जरा सा मुझे दिखा दें ये कुल्फी कबाब जो आपने बनाए हैं जी बिल्कुल मैं बस यहाँ एक स्टेप दिखाने के लिए आ, वेट कर रही थी आप लोगों का हमने जो चिकन में सारी चीज़ें मिक्स की थी हमने चना डाला था उसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाले थे पेपर डाली थी पैप्रिका था उसके अंदर ठीक है नमक था और आ, उसको जो है फिर हमने इस तरह से करके आ, ये, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था चॉपिंग बोर्ड को ग्रीस करने के बाद अच्छा ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ज़्यादा अच्छा है उसके बाद आप इसको वैसे तो हाथ से भी शेप दे सकते हैं लेकिन अगर आप इस तरह कटिंग कर लेंगे अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना है तो बहुत अच्छा हो जाएगा इस तरह कटिंग कर लीजिए इसको ठीक है जिस साइज़ का आपको रखना है आप उस साइज़ में इसको कटिंग कीजिए एक पीस यहाँ से उठाइए और उठाने के बाद इसको फिर फाइनली आप यहाँ से हाथ से इसकी शेप दे दें शेप देने के बाद आपने इसको इस तरह एग में डिप करना है एग में डिप करने के बाद आपने इसको क्रम्स में कोट करना है इस तरह से करके और ये करने के बाद अच्छा अगर आपको क्रिस्पी कोटिंग चाहिए इसकी तो या तो आप इसकी डबल कोटिंग करें और वरना फिर जैसे मैं हमेशा बताती हूँ एक हिस्सा मैदा आ, उसका आधा कॉर्नफ्लावर और उसका आधा आपने लेना है चावल का आटा उसको पानी में मिक्स कीजिए और उसकी कोटिंग कर लीजिए उसके बाद हमने इसको करना है फ्राई फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने ये जो अभी आप लोगों के सामने वाइट सॉस बनाई थी क्योंकि हम इसको फालूदा का लोग दे रहे हैं तो यहाँ पे मैंने स्पेगेटी जो है उसको बॉईल कर लिया था और ये वाइट सॉस हम इसके ऊपर डाल देंगे पूरी ठीक है जी ये हमने सॉस इस पर डाल दी सारी और कुल्फियाँ जो हैं हमारी ये जो कबाब थे ये हमने फ्राई किए हैं फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक ली थी और उस पर मैंने जो है ये सिल्वर पेपर लगा दिया था लगाने के बाद थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाता है और ये जनाब हमारे कबाब कुल्फ़ी फालूदा तैयार है क्या बात है जी मजे मज़े की चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं इन्जॉय करें लेकिन बात यह डॉक्टर साहब भी ये बात कहते हैं कि अतदाल बहुत ज़रूरी है अतदाल बहुत ज़रूरी है अतदाल के साथ ज़िंदगी गुजारें तो हर चीज़ बेहतर होती है ज़्यादा मसले मसाइल ज़िंदगी में नहीं आते और हल्का सा कहीं आपको कोई प्रॉब्लम लगता है देखें मेडिकल साइंस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दिन दिन जो है वो आगे बढ़ती जा रही है बहुत तरह के स्कैनर्स आ गए हैं Uh, बहुत तरह के uh, चीज़ें हैं टेस्ट हैं जो आप करवा सकते हैं आप पहले ही अपने आप को uh, बहुत सारी चीज़ों से बचा सकते हैं वन यू आर यंग इट्स इट्स अ डिफरेंट थिंग बिकॉज बॉडी के अंदर फाइट करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है पर जैसे जैसे uh, आप uh, उम्र की तरफ बढ़ते जाते हैं 35 के बाद तो डिक्लाइन ही डिक्लाइन होती है तो थोड़ा सा uh, अपने आप को ज़रा ज़्यादा ख्याल रखें पानी पिए थोड़े अपने टेस्ट करवाते रहें कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई प्लीज़ ये हमारी बात सुन लें थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू फिर इनशाला हम एक और अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड थैंक यू आपका भी बहुत शुक्रिया थैंक यू थोड़े मजे मजे के खाने आप बनाती हैं <laughs> और ये बड़ा जुल्म है आपका <laughs> आप भी ट्राई कर सकते हैं जी जी मैं बिल्कुल ऐसे ट्राई करूंगा कि मैं आपको बता नहीं सकता बिल्कुल जी तो मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे जी अच्छा बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब रुक रहे हैं हमारे साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे थैंक यू सलामैकम जी हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आप सबको मैं एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहता हूँ डॉक्टर साहब से बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही होती है हमारी और ब्रेक में भी हम बात कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब आप जो एक बात कर रहे थे मैं थोड़ा सा बात को एक्सटेंड कर रहा हूँ रीज़न ये है कि लोग टेस्ट नहीं करवाते लोग डरते हैं स्पेशली ख़ीन ये बहुत बड़े केसेस हुए हैं हमारे मुल्क में कि लड़कियां बहुत डरती हैं स्पेशली जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं ख़वान अपने हस्बेंड्स को नहीं बताती अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताती कि कहीं ख़ुदा ना खास्ता जो है वो अगर ये बात पता लग गई कि ऐसी कोई गिल्टी है या कुछ है तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा और उसके बाद फिर क्या क्या रिज़ल्ट उन लड़कियों को भुगतने पड़ते हैं या उन खातियों को भुगतने पड़ते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आई थिंक uh, इसकी अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेफ़िनेटली ये टिकिंग टाइम बॉम्ब होता है ना टिक 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 बेसिकली वही कबूतर बिल्ली वाली अप्रोच कि आप आंखें बंद कर लेंगे लेकिन उससे बिल्ली भाग नहीं जाएगी कैंसर की आपने बात की कैंसर में तो फैसल फ्रेंकली uh, स्पीकिंग अगर खुदा ना खास्ता स्टेज थ्री स्टेज फोर पे आप आ गए तो फिर तो एडवांस्ड हो गई है स्टेज हाँ। ना फैल फैलना शुरू हो गया है वो स्टेज वन और स्टेज टू में परफेक्टली हंड्रेड परसेंट प्रोग्नोसिस है बेहतर हो सकता है इंसान और ब्रेस्ट कैंसर वो वाहिद कैंसर है खुवान दायरे खातन में ब्रेस्ट कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिसका प्रोग्नोसिस सबसे अच्छा है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए यानी जितनी जल्दी डिटेक्ट होगा उतनी ज़्यादा इंसान को सर्वाइव करने की के मेरी वालदा अलहमद ला शीज़ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर और मैंने खुद उनके साथ जाके कीमोथेरेपी सर्जरी और सारे मरल से गुजरा तो मैंने खुद प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व किया सो आप यकीन कीजिए कि उनका स्टेज थ्री पर डायग्नोस हुआ था लेकिन हैविंग सेट दैट अगर इंसान चेक करता रहे जो टेल टेल साइंस होते हैं साइंस और सिम्टम्स होते हैं या डॉक्टर को उससे डिस्कस कर ले आम लेडी डॉक्टर के पास जाके डिस्कस कर ले पूछ ले चेक करवा दे इसमें कोई कबात नहीं है और जहां फिर हम दोबारा गुर्दे की अगर बात करते हैं तो इसके लिए अगर आप समझते हैं कि भाई कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आपको हर तीन महीने बाद टेस्ट करवाना है साल में सिर्फ एक दफा एच बी एम सी करवा लें तीन महीने की शुगर जो होती है हाँ अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें किसी से भी अब तो ऑटोमेटिक इतने सारे अपराटिस इक्विपमेंट्स सा आ गए वो कर लें डॉक्टर से एक नजर दुकाम खांसी के लिए कहें कि मुझे मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर डॉक्टर मना नहीं करते सो रिकमेंडेड नहीं है लेकिन अगर इंसान खुदा ना खास्ता अपने घर में है रात के दो बज रहे हैं तो वो ज़्यादा इमरजेंसी में नहीं जाएगा हाँ। और ज़्यादातर स्ट्रोक यानी फालिज के जो केसेस हैं ये मैं बात बताता चलूँ लोगों को कि फालिज उस वक्त होता है जब इंसान का ब्लड प्रेशर शूट करता है बिल्कुल और बाद सोते में शूट कर जाता है मेरे अब्बा के साथ हुआ है मुझे पता है यही हुआ ब्लड प्रेशर हाई था फॉलिज का अटैक हुआ जी बिल्कुल ब्लड में क्लॉट्स बने उन्होंने ब्रेन पे अटैक किया और ब्रेन हेमरेज हुआ बिल्कुल तो so, मुझे तो उस पूरी कंडीशन का पता है राइट सो अच्छा ये भी कहते हैं कि एक दवाई होती है कि वो खून पतला आप रखें तो अगर वो दवाई नहीं ले रहे तो खून पतला कैसे रख सकते हैं राइट right, सो so, वो दवाई लेना हर एक के लिए कतई ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आप हाइपरटेंसिव हैं हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है जिसमें ज़्यादा टेंडेंसी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो फिर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं खुद से नहीं लेनी है yeah. दवाई का नाम हम नहीं ले रहे बहुत कॉमन दवा है वो लेकिन एस्प्रीन हम कह लेते हैं एस्प्रीन उसका जेनेरिक नेम नेमे सॉल्ट जो है सो वो दवा खुद से नहीं लेनी क्योंकि उस दवा के अपने असरा भी हो सकते हैं मैं बिल्कुल सही हूं मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है मैं एक्सरसाइज करता हूं मैं ओवर वेट नहीं हूं मोटा नहीं हूं ओबीस नहीं हूं और मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा है मैं नमक बहुत ज्यादा नहीं लेता तो फिर मुझे कोई जरूरत नहीं वो दवा नमक का रिप्लेसमेंट आया पिंक सॉल्ट प्लीज उस पर शिफ्ट करें अपने आप आयोडाइज सॉल्ट पिंक सॉल्ट ले सकते हैं पिंक सॉल्ट ये बात बताना चाहूंगा कि अगर इंसान को हाइपर यानी हाई ब्लड प्रेशर है तो पिंक सॉल्ट भी इवेंचुअली उसका नमक यानी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुर, बिल्कुर। तो इसके भी जरा एहतियात करें टेस्ट करवाएं अपने सूजन बरम सोजिश को बिल्कुल इग्नोर ना करें यूरिन में अगर फोम बनता है उसको इग्नोर ना करें क्रेटेनिन करवा लें साल में सिर्फ एक दफा और कुछ सौ रुपए का टेस्ट होता है सिर्फ करेटेनिन उससे पता चल जाता है कि आपके गुर्दे के अफाल कितना बेहतर काम कर रहे हैं सो छोटी छोटी चीजें नींद का ख्याल रखें हफ्ते में पांच दिन कार्डियो करते रहें ब्रेस्ट वॉकिंग तेज तेज चलना के सांस पूरे पसीना है हार्ट बीट तेज हो और इसके अलावा शुगर ना हो हाई ब्लड प्रेशर ना हो और अगर जरा सा भी कमर में दर्द हो रहा है तो इसको आम कमर का यार मस्कुलर पेन हो गया होगा उसको ये समझ के इग्नोर ना करें डॉक्टर से रजू कर लें छोटा सा वो एक टेस्ट करवाएगा उससे बात सारी क्लियर हो जाएगी वेरी ट्रू वेरी ट्रू और ये ये थोड़ा सा ख्याल करना है देखिए मैं कुछ लोगों को भी जानता हूँ बड़ा डेडिकेटेडली अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं हल्के फुल्के कहीं पेन हो रहा होता है आप इग्नोर करते रहते हैं फिर थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि ये हो गया या वो हो गया तो भाई खुदा के लिए देखें अपना ख़्याल खुद ही रखना है अरे भाई लाइव बैठा हुआ हूँ यार जी तो आ, थोड़ा सा अपना ख्याल बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ आप बिल्कुल आप डिवोटेड हो के आप पूरे डिवोटेड हो के अपने घर वालों के लिए पैसा कमाएं मेहनत करें सब करें लेकिन भाई आपका सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है जान है तो जान है जान है तो जान है और आपका सेहतमंद रहना जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं जिनके लिए आप पैसा कमा रहे हैं या जिनके लिए आप सारा कुछ कर रहे हैं अगर आप अपने ही ख्याल नहीं रखेंगे तो कल आप उनके सर पे पड़ जाएंगे और वो बेचारे हाथ पाओ उनके फूले हुए होंगे ठीक है सबसे ज़्यादा वही सफर करेंगे सबसे ज़्यादा वही सफ़र करेंगे थोड़ा सा ख्याल करें डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सो मच मुझे बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है ब्रेक लेके वापस आके वा जी वालेकुम आप सबको खुश आमदेद कहते हैं और आज योम बदर के हवाले से अगर मैं बात करना शुरू करूं तो बेतहाशा ऐसे वाकयात हैं बेतहाशा इन अपना क्या कहते हैं योम फुरकान जिसको हम कहते हैं हक और बातिल की जंग जिसे हम कहते हैं जिसमें बहुत सारी बातें करने के लिए उन वाक़ात को बहुत वसी करके भी बयान किया जा सकता है लेकिन चूँकि वक्त हमारे पास इतना होता नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे कराम जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करें एक जो ये सबसे ज़्यादा देखें जो अहम बात मैं हमेशा हम ये बात कहते हैं आज बड़ी अच्छी मुझे एक बात लगी जो इंजीनियर तलह हमारे साथ यहाँ पर होते हैं उन्होंने कहा कि हम योम आज़ादी मनाते हैं हम और बहुत सारे दिन मनाते हैं हम फतह मक्का क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं? हम ये योम बदर आ, क्यों सेलिब्रेट नहीं करते हैं? स्कूल्स में बच्चों को आम बच्चों को इन हवाले से जो इस्लामी दिन है ख़ास तौर से उनको डिस्कस करना चाहिए और आज अगर मैं योम बदर की बात करता हूँ तो आज आ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल का भी दिन है उनके हवाले से भी हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे लेकिन साथ में आज योम बदर के हवाले से ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब मुफ्ती साहब यहाँ पर मौजूद हैं शाह थोड़ा सा बिसमिल्ला करते हैं फिर उसके बाद अजल्ह मजदुलकरीम ने कुरान मजिद्लफ़ुरहमीद में पहले शराय आल इमरान में दो आयतें पूरी योम बदर के हवाले से इर्शात फरमाई आयत नंबर एक सौ तेईस और आयत नंबर एक सौ चौबीस यहाँ पर अलाजल् क़रीम ने बदर के दिन जो फरिश्तों का नज़ुल फ़रमाया पहले तीन हज़ार फरिश्ते नाजिल हुए फिर पाँच हज़ार फरिश्ते नाजिल हुए इसका जिक्र फ़रमाया मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बदर की बुनियादी तौर पर एक बुनियादी जिसको प्लंथ कहते हैं वो डालना चाह रहा हूँ कि बदर की अहमियत कितनी है अब शुर आल इमरान में तस्करा हो चुका था अल्लाह खालिक है मालिक है उसकी मर्ज़ी जिस तरह चाहे मजीद तस्करे की ज़रूरत हाजत नहीं थी चूँकि के यहाँ ये कायदा है कि कुरने पाक में अगर एक आयत भी आ जाए तो हमारा कानून बन जाता है वह हमारा अक़ीदा बन जाता है लेकिन आप ये देखिए फिर नवे पारे का पूरा आखिरी पाओ अनफाल जहाँ से शुरू होती है पूरा आखिरी पाओ और फिर दसवें पारे के शुरू के तीन रुकू अलाजल मस्जदालकरम ने ये योम बदर और अहाब बदर और उस दिन अल्लाह के इनाम अल्लाह की मदद और नबी पाकाम की तरफ से अल्लाह की बारगाह में दुआएं और शैतान की अपनी कारगुज़ारियाँ वो सारी अल्लाह मज़दुल करीम ने गजब बदर की कुरने मजीद के सीने के अंदर इर्शाद फरमाए अगर मैं ये कहूँ तो मैं ये कहने में बिल्कुल हक़ बजानब रहूँगा कि पूरे क़ुरान में किसी भी गजवे का इतनी वज़ाहत के साथ तस्करा नहीं है जितनी वजाहत के साथ गजवा बदर का तस्करा किया गया अब यहाँ पर मैं इस पूरे तस्करे को सुन के बाद बाज़ात अंगूश बदंदा होता था कि ये गज़वा बदर का इतना तस्करा करने की ज़रूरत क्या थी कुरान मजीद और फरकान ज़ाहिर एक आलम के जहन में बहुत सारी बातें आती हैं तो उसमें से एक बात ये भी आती थी एक हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भी हमारे पास आते हैं तो वह ये सवाल करते हैं कि इतनी ज़रूरत क्या थी तो वो जो जब गज़वा बदर को पढ़ा जाता है तो बात बिल्कुल खुल के सामने आ जाती है कि असल में कुफार कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरीके से मुसलमानों को नैसे तो नाबूद कर दिया जाए ख़त्म कर दिया जाए और पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दिया जाए कि ये वो लोग थे जिन्होंने नया दीन लाया था और हमने इनकी ईंट से ईट बजा दी है अपने इन मकासद के अंदर वो कामयाबी के लिए गज़ब से पहले छोटी छोटी झड़पें वो करते रहे ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं की और मुसलमान उनको भरपूर जवाब भी देते रहे लेकिन कुफार मशरकिन ने बैठ कर गजबर से पहले एक बड़ा ग्रैंड किस्म का जिरगा बिठाया जिसको हमारे यहाँ जिरगा कहा जाता है और यहाँ शहरों में उसको मीटिंग कहा जाता है एक मीटिंग बिठाई बड़ी और उस मीटिंग में बैठ कर ये तय पाया कि हम सारे बड़े बड़े जितने अमीर कुफार हैं हम सब अपना जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं एक काफले पर एक तजारती काफिले पर और उसकी जितनी भी इनकम होगी उस इनकम से जितना भी असला खरीदा जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ असला ख़रीदा जाएगा और वो असला मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा अब आप ये देखिए कि, कि कितनी बड़ी प्लानिंग हो, कि कि हो रही है मुसलमानों के खिलाफ इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि तैक वसल्लम को गोया कि अल्लाह ताली ने वही के जरिए से ये बता दिया कि हम महूब प्लानिंग हो रही है नबी पाक अली सलाम ने साहब कराम से मशवरा किया यहाँ एक बड़ी अजीब बात शहर यार भाई मैंने पढ़ी कि जब हज़रत अबूसुफियान अभी इस्लाम नहीं लाए थे तो जनाब अबूसफियान ने उस वक्त जो है जो काफिला लेकर जा रहे थे तो नबी पाक ने साहबा से इस वक्त जो अभी बदर पेश नहीं आया मशवरा किया कि इस काफिले को रोकना है क्योंकि ये पूरी की पूरी मुसल उनकी कुफार की कुफार मक्की है इसको तबाह करना है इसको ख़त्म करना है बिल्कुल तो उस वक्त साहबा से जब मशवरा तलब किया तो हज़रत अमीर हमजर रज्ला तो तरद खड़े सुनिएगा फैसल भाई आप खड़े हुए आपने कहा रसुल्ला ये कौन सा मुश्किल काम है मुझे भेजिए मैं मुझे भेजिए मैं अकेला जाता हूँ उन साठ के साठ बंदों को बांध कर ले आता हूं कि इनके इन, काफिले को रोकने की कोशिश की लेकिन और काफिला फिर पहाड़ों की तरफ से साहल समंदर से ले गए अब इस दौरान मुसलमान मक्का से निकल चुके थे ये आय किस लिए थे इस काफले को रोकने के लिए यही वजह थी कि बाकायदा तौर पर इन्होंने कोई तीर तलवार खंजर भाले इस तरह की चीज़ें ये लोग नहीं ला सके थे ये तो सिर्फ काफ़िले को रोकने के लिए लाए थे धाग बिठाने के लिए आए थे यार पचास साठ आदमी है या तीस आदमी एक रिवायत के मुताबिक इनको पकड़ के ले आएंगे और जो है इनको इनका सारा माल ले लेंगे और ये बिल्कुल जायज़ था इसके अंदर कोई भी ऐसा मस क्योंकि उनके मकासद खतरनाक थे अलमुख्तर ये कि वो उधर से इनकी कम्युनिकेशन देखे कितनी तेज थी ये काफिला निकल गया बच बच के अबू जहल ने अपनी अबू जहल को ये पता चला कि मुसलमान जो है वो उधर से इस काफ़िले को पकड़ने के लिए आए थे तो उसने पूरा एक साजो सामान लाओ लश्कर तैयार किया इसके अंदर बहुत कुछ हुआ लेकिन अब उसकी तरफ जाने का वक्त नहीं दिगर व लम्स पर गुफगू करेंगे मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें अर्ज़ कर देता हूँ अब क्या हुआ कि नबी पाकलाम को वही नाज़िल की गई कैम महबूब तल वम के इन दोनों में से आप जब जा रहे थे इन दोनों में से एक जो गिरोह आ रहा है उस पर आपको फ़तह दी जाएगी नबी करीम सलील तबारक ने नेहबा से मशवरा किया कि ये बताओ कि उस काफ़िले के पीछे जाना चाहिए या ये जो लश्कर जर्रार आ रहा है असल से लेस ये तीरों तलवार लेकर खंजर बाले नेज़े, नेज़े बर्चियाँ लेकर आ रहा है इसके पीछे जाना चाहिए अब होना ये चाहिए था साहबा कहते कि वो एक हज़ार उनके पास सारा जदीद असला हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम क्या करें हम तो उसके पीछे जाएंगे काफिले अब यहाँ पर साहबा की कुछ है। मैं चाहता हूँ तो आप, आप जिस तरह जिमे तेरी मर्जी मुकाबे लिया आप इसको यूं समझ लीजिए आपने ये कहा उनमें से जो सबसे जानदार जो तकरीर थी चूंकि नबियरी बार बार खड़े होकर मशवरे दे रहे थे नबिय पाक कर हुए सुखन हाजरीन की तरफ था वजह यह थी कि बैत सानिया में माजरीन के साथ एक मेंदा हुआ था कि अगर मदीने पर कोई हमला करेगा तो उस वक्त मदीने का जो है वो दिफा करेंगे अब मदीने पर तो हमला नहीं हो रहा था ये जो अनसार जो निकल आए थे बाहर तो हजरत बिन उस वक्त खड़े हुए आपने फरमाया फरमायाबाल मन से वक्ता हिबाल मन शेता खुदाल माशेता खुद मा और आपने और आपने अर्ज किया रसुल्ला आदि मन शेता मन शेता आपने अर्ज किया रसोल्ला ला, वारकमा कि आपकी मर्जी पूरी कायनात में आप जिससे हाथ में लाए आपकी मर्जी पूरी कायनात में आप जिसको धक्का दें यानी जिसको पीछे कर दें और आपकी मर्जी सालम मनशियता जिससे चाहे आप सुलह करें आदि मनशियत जिससे चाहे आप दुश्मनी करें और खुद खुजमिन अमाली ना मनशियत यार रसुल्ला हमारे सारे माल है यह हमारा सारा दौलत है ये हमारी सारी जायदाद है इसमें से जो चाहे आप ले लें हम जब आप पर ईमान ले आए तो फिर हम आप हम पीछे क्यों हटेंगे दूसरे साहबी हजरत बस एक मिनट रह बात खत्म करता हूँ दूसरे बिन असवद उनके पास घोड़ा था उन्होंने अर्ज किया अगर ये घोड़ा आप हुक्म करेंगे ना तो मैं जाके इसको समंदर के अंदर भी डाल दूंगा ये जज्बे थे साहब के राम रदू मजमा के बस ये आखिरी तीस सेकंड में मैं एक बात अर्ज कर दूंगा कि ये तेरह सौ साल बाद ये तारीख फिर दोहराई गई कुफार मक्का थे उधर बुत परस्त थे इधर हिंदुस्तान के रहने वाले बुत परस् थे उधर से मुसलमानों को निकाला गया था इधर से भी हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाला गया था जब पाकिस्तान बना ये तारीख फिर दोहराई गई एक साल के बाद उन पर भी जंग मुसलत की गई थी एक दो साल के बाद और यहाँ भी एक दो साल के बाद जंग मुसलत की गई थी हमारे बुज़ुर्गों से हमने सुना था कि हमारे बुज़ुर्ग फरमाते थे कि वहाँ मदीना था यहाँ सानिय मदीना है वो मदीना तैयबा था और ये पाकिस्तान है तो अगर आप पूरी तारीख मेरे मुल्क पाकिस्तान की देखें तो आपको बिल्कुल वही तारीख नज़र आएगी जो आपको गज़ब बदर से पहले की मुसलमानों की नज़र आती है अल्लाह छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं अल्लाम जी एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं आज योम बदर के हवाले से गुफ्तु हो रही है वो कहते हैं कि हूँ साबित कदम तो तीन सौ तेरह भी बहुत तो समझने वाली बात है आज के दौर में हम कुछ चीज़ों को जब जोड़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं पर चलें यम बदर के हवाले से जी शहजाज साहब हम सभी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि व वसल्लम सलातो अलैका या रिम्स या रसूल अल्लाह यूरोप का एक वाक़ है गुज़िश्ता कोई चंद सालों पहले वाक़ क्लास रूम का पेश आया कि एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि भई आप क्या बनोगे उसने कहा मैं पायलट किसी ने कहा इंजीनियर किसी ने कहा सॉफ़्टवेयर इंजीनियर एक बच्चे ने कहा जी मैं सहाबी बनूँगा टीचर के कान खड़े हो गए घर में पैगाम भेजा गया कल हाजिर हों या आपका बच्चा अब नॉर्मल हो गया है अजीब अजीब बातें करता है ये क्या आपने इसको पढ़ाया क्या सिखाया ये क्या है क्या कहता है कि जी मैं सहाबी बनूँगा तो माँ ने डरते डरते कहा जी बात ये है कि जी मैं इसको रोज़ाना रात को सोते हुए हमारे नबी करीम अलैहि वसल्लम को जो कंपेनियन साहबा है, दोस्त हैं ना मैं उनकी इनको वाक़त सुनाती हूँ मैं इसको खालिद बिन वलीद सुनाती हूँ मैं इसे वाला बिन शामद सुनाती हूँ मैं इसे फलाँ सुनाती हूँ फ़लाँ सुनाती हूँ मैं इसको ज़रूरतमंद बहादुर साहबा के सारे बहादुर ने उनके वाक़त तो रोज़ाना कोई ना कोई सुनाती हूँ तो अब इसके अंदर ये शौक़ पैदा हो गया कि जी मैं तो बड़ा ओके साहबी बन ये अभी का वाक़ सात आठ साल पहले की बात आई है सत्रह अठारह या शायद सोलह में हमने कहीं इसको पढ़ा था बड़ा ये मीडिया पर वायरल हुआ था इस चीज़ ने कम अज कम एक बात साबित कर दी कि जोफ एज यू सो सोशल यूरीप जो बोगे वही तुम काटोगे बे, बच्चों को जो हम फीड करेंगे वही होगा हम ये आपके दोस्त ने बिल्कुल सही कहा कि यार ये क्यों नहीं योम पाकिस्तान की तरह योम बदर योम फ़तेह मक्का क्यों नहीं मनाया जाता ये मनाना चाहिए रिपीटिशन क्यों कराई जाती है पाँच टाइम नमाज़ फिर वही सूर फातह उसके साथ वही सूरतें क्यों इसके पीछे क्या साइकी की अल्लाह की यही की है कि जब बंदा अपने माजी को अपने गोल्डन डेज को याद रखता है तो फिर उससे उसको जरूरत करेज मिलती रहती है अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हो रहा है हमारे साथ वो मेरी पहले दिन वाली बात मैं कह रहा हूँ ना हमें ऑर्गेनिक्स छोड़ के बनास्पति चीज़ें दे दी गई हैं हमें सहाबा, हमारे साहबा हमारे आल बैतार हमें हमारे नबी आसन से दूर कर दिया गया है उनके मुकाबले में हमें दूसरी चीज़ें दे दी गई हैं ओ बिल गेट्स क्या मालदार आदमी है मैंने एक दिन जुमे में बयान किया था लोग कि मुझे पर्ची बेची बिल गेट्स कौन सा वजीफा पड़ता है जो इतना मालदार है मैंने बताया आज वो वजीफा पढ़ता नहीं है वो वजीफा करता है और वो हमारे नबी का बताया वो वजीफा करता है, क्या है? करता है। इरहम वो आपको स्कूल बना के दे रहा है वो आपको हॉस्पिटल बना के दे रहा है वो आपको खाना दे रहा है टीचर दे रहा है वो आपको नहीं नहीं क्या चीजें दे रहा है तो एज यू जो तुम करोगे वही तुम पाओगे अब जो सहाबा ने वहां की अभी बता रहे थे ना वो कहते यार आप हमें हुक्म दें हम तो अभी कैसे रहो किस टकरा जाए क्या थी वो चीज वो जरूरत वो हिम्मत नबी से सीखी थी वाह 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 तो आज वो हिम्मत और जरूरत वाली बातें नहीं सिखाई जा रही ओ सी वी द नेवर चूजर्स व्हाट हेल इज दिस ये है हमारी तरबियत ये है हमारे लीडर्स ये हमें सिखाएंगे वो तो कहते हैं सीधे गए हैं सा हला आने वाला बच्चा साढ़े तीन लाख रुपए का मकर नहीं होगा ऐसे होगा तब जब आप इसी तरह तो के प्लेटफॉर्म्स कायम करेंगे और इस तरह सब कर राम वो अल्लाह मैं गया ना यही जब बदर के मकाम पर वल्ला मेरा दिल मैं आपको अपनी कैफियत बताता हूँ आई वॉज टोटल आउट ऑफ फेंसिस मैं दिल कर रहा मैं उछलूँ फिर मैं जो पहाड़ देख रहा था तो काले सिया चटियल सख्त पहाड़ लेकिन वहाँ जगह जगह बीच बीच में ना पीली नरम नरम रेत मैंने पूछा वहां के तो गाइड जो हमारे साथ चलो कह रहे थे यार जब अल्लाह ने फरिश्ते भेजे ना ये सख्त पहाड़ फरिश्तों के कदमों से नरम हो गए अल्लाह तो पीले पीले हो गए सॉफ्ट हो गए अल्लाह ने उन फरिश्तों से मदद की बेशक ये यकीन ये ये सोच ये फिक्र दोबारा पैदा करनी पड़ेगी कि हाँ यार अल्लाह मदद करता है बेशक लेकिन यकीन तो कामिल हो ना जब हम दुआ इवन दुआ मांग रहे होते हैं तो हम श्योर नहीं होते अल्लाह मैं तू ऐ दे देवी या अल्लाह मैं नहीं चाहिए दा या अल्लाह दे दे देवी बस मैं या, या दे, दे दे मी, मैं तो तू लेन वाले यार डाउटफुल है क्या यार अल्लाह क्यों देगा फिर तेरे माँ माँ बेटा I'm sorry if I'm getting something नहीं आप बिल्कुल सही बात मैं हकीकत बता रहा हूँ सर मैं मैं हर बात अपने ऊपर रख के सोचता हूँ कि जब मैं भी मांग रहा था यार ला मैंने कार चाहिए तो कार तो हो गया साढ़े छे करोड़ रुपए का पांच करोड़ का एक कितों आने <laughs> एक कितों और यार और मैं मंगन वाला है क्या उन्हें देना है मैं क्यों कह रहे कितों आने देना उन्हें जब उसने देना है तो मैंने लेना है मेरी दामन तंग है मुझे मांगने का सलीका ही नहीं है क्योंकि मेरा उस पर शायद पुख्ता यकीन ही नहीं है बस आज हमें उस पुख्ता यकीन की जरूरत है जो है जो, में जो आप बात कर रहे हैं हमारे भी कुछ बड़े जब हम उनके साथ बैठते हैं बात होती थी तो खैर अब तो बहुत सारे नहीं रहे दुनिया में अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे तो वो हमेशा ये बताते थे कि सैंतालीस की जंग में अः हमें ऐसा लगता था कि गैब से मदद हो रही है मैं ये सैंतालीस की जंग की बात कर रहा हूँ पैंसठ की भी जंग में सॉरी सैंतालीस कह रहा हूँ पैंसठ की जंग में ऐसा लगता था कि कोई अल्लाह की तरफ से मदद हो रही है कि हम इतने से हैं और हम जीतते चले जा रहे हैं जीतते चले जा रहे हैं। तो यह हकीकत है कि अल्लाह गैब से मदद करता है साबित कदम लोगों की तीन सौ तेरह लोग जाके अपना क्या कहते हैं वो ये जंग जीतते हैं सिर्फ दो तो मिनट या एक मिनट और लेता हूँ आपसे आते मुझे मुफ्ती साहब ने जुमला भी मारा है हाँ, नहीं हाँ। वो आपको पता जबरा जब जंग हुई थी खालिद बिन जियाद चार हजार मुसलमान पूरा यूरोप फतेह करने निकले पीछे कश्तियां डेढ़ लाख ईसाई फौज सामने खड़ी जितनी डेढ़ लाख चार हजार कोई मुकाबला नहीं है मशवरा होता है हमेशा देखो मुशावरत हुजूर की अजीज है मशवरा से जो मशवरा करते हैं ना वो कभी शर्मिंदा नहीं होता अलग तो लेट डाउन नहीं करता मशवरा यहाँ भी क्या करना है जवानो आजी हम तो बहरमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने हमने क्या है आगे जाएंगे या तो हम गाजी हैं या फिर हम शहीद हैं हमारे पास तो तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है दोनों हाथों में हमारे लड्डू हैं भाई बोला ठीक है चलो जी कश्तियां जलाओ है और भाई किसी के दिन में ये आना ही नहीं चाहिए मैंने वापस भागना है कश्तियां जला दो गाजी या फिर शहीद जब वो कश्तियां जलती देखी उन्होंने कहा क्या है बोले देखी भाई भागो ये खा जाएंगे हमको आधी फौज तो वैसे भाग गई आधी फौज लड़ लड़के मुसलमानों पर फता की अल्हमद मुसलमानों के लिए देखे ना एक बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस हैं आप एक बात कर रहे थे आज जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे अभी बहुत सारी नई नस्ल के सामने जब आप कुर्बानी की बात करते हैं तो वो आगे से हमें ये कहते हैं नहीं नहीं नई नहीं हमारी आंखों के सामने मत करना नहीं नहीं, नहीं, नहीं हमसे देखा नहीं जाएगा ये हम कैसे बर्दाश्त करें यार क्यों ये एक पूरा प्रोसेस रखा गया है एक मुसलमान के दिल में ढारस पैदा करने के लिए एक मुसलमान के दिल को मजबूत करने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कहीं आप गलत तरीके से ले लें लेकिन बात ये है कि ये हम हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है ये सब एक बकायदा हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है और आज वो सारी चीज़ें जो हमें सिखाई गईं या हमें समझाई गईं या हमें बताई गई मैं जब आ, आ, पढ़ता हूँ अपना क्या कहते हैं हदीस जिसका मफहम है कि अपने घोड़े तैयार रखें आप तो इसका मतलब है कि आयत आयत करीमा, करीमा, बिल्कुल क्या आप अपने घोड़े तैयार रखें तो इसका मतलब ये है कि आपने जंग के लिए हर वक्त तैयारी रखनी है इसीलिए पाकिस्तान फ़ौज ने पूरी अपनी तैयारी रखी हुई है लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि हमारे जो सहबा कराम थे या हजूर पाक सल्हुस या उनके साथ जो और लोग थे क्या वो ट्रेनिंग नहीं करते होंगे बकायदा ट्रेनिंग की जाती थी बच्चों की बचपने से ट्रेनिंग की जाती थी मैं अभी उस दिन बात कर रहा था कि जब आ, आप हज़रत अब्बास की बात करते हैं उन्होंने जिस तरह जंग में जो वो लड़ रहे थे और लोग कहते थे कि क्या अंदाज था उनका तो उनको किसने ट्रेन किया हज़रत इमाम हसन ने तो उसी तरह से अगर आप पीछे आते हैं तो वो बाकायदा पूरी ट्रेनिंग सभी लोग करते होंगे ना तो हमें बाकायदा ये चीज़ों का कहा गया है एक अच्छा सिस्टम पाकिस्तान में शुरू हुआ कि जी स्काउट्स की ट्रेनिंग होगी फिटनेस पे बात होगी फलाना होगा मुसलमान दूर हो गए पड़े हुए मोबाइल के अंदर टिक टॉक बड़ा बढ़ाँ पागल होए पे न सारे ते, है तो कितने गई हैं तोड़ियाँ ट्रेनिंगा मतलब तो थोड़ा तो यार आज आप इसराइल की बात कर रहे हैं आप बुरा भला कह रहे हैं वहाँ तो मैंडेटरी है आपने ओ लेवल्स किया है उसके बाद आपने पूरे एक साल की ट्रेनिंग करनी है वहाँ जो रेडी लगा के खड़ा हुआ है ना उसकी भी फौजी ट्रेनिंग हुई भी है, ये पता है आपको ये समझें मैं क्या बात कर रहा हूं ये क्यों इतना जरूरी है हर मुसलमान क्यों आज आदि कौम जो है नहीं नहीं, नहीं नहीं यार पता नहीं क्या होगा अगर जंग हो गए तो डरे तो बैठे ने क्या बात कर रहे हैं वो क्या बात की है हजरत साहब ने मुसलमान डरता है फैसल भाई आप कैदे आजम ने तो कहा था ना हजरत मुसलमान परेशानियों में घबराया नहीं करते क्यों कहा था पूरी पीछे पूरी मारा हुजूर फरमा दे मुझे तो ओहद में जिधर देखता हूँ मैं मारा नजर सहाबिया तलवारबाजी कर रही है जानम वासिल की है वो बाईस दस किलो की तलवार उठा के तो दिखाए हाँ। वो तलवार और अपने हाथों पे नजर रोक रही है तीर रोक रही सरकार के आगे सरकार फरमाने मैं जिधर ओहद में देखता हूँ मुझे उम्मे मारा नजर आ रही है अल्लाह अकबर ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं Allah ya salli wa जी अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं ये थोड़ा सा जगाने की कोशिश करते हैं ऐसे दिनों के हवाले से जब बात होती है आ, जी हजरत मैं माजरत आते आते ज़रा देर हो गई है मैं भी जज्बाती हो जाता हूँ थोड़ा सा जज्बाती तो मैं भी हूँ बिल्कुल सही फरमा रहे थे आप गई बदर से ज़ाहिर है गजवा बदर के सिर्फ वाकई को हमने याद नहीं करना बल्कि उससे सबक भी हासिल करना है दर्स भी हासिल करना है तो ये जो आप गुफ्तू कर रहे थे उसी दर्स का एक सिलसिला है ये इस्लाम और कुफर के दरमियान लड़ी जाने वाली पहली बड़ी जंग है और इसके अंदर अल्लाह रबुलज़त की गैबी मदद भी आई और मुसलमान भी जिस अख़लास के साथ लड़ रहे थे जो अल्लाह रबुल्ज़त के ऊपर उनका एक तवक्ल था जो ईमान था उस ईमानी ताकत की वजह से वो लड़ रहे थे तो अपने तैदाद से तीन गुणा तीन गुना बड़ी बड़े लश्कर को जो है उन्होंने शिकस्त दे दी और शिकस्त देने में कामयाब हो गए और आप जानते हैं कि इस जंग के अंदर सिर्फ 313 सौ तेरह साहब कराम थे तीन सौ चौदह कराम थे और दूसरी जानब जो है तकरीबन एक हज़ार कुफार कुरेश के लोग थे और ये मुसलमान भी जो यहाँ पर इस लश्कर के अंदर हैं वो भी मुकम्मल तौर पर जंग के लिए आमादा होकर यहाँ नहीं आए मुसलह नहीं थे इनके पास घोड़ों की तदाद आप देख लीजिए सिर्फ दो थे और बाकी जो आम तलवार तो वैसे भी अरब का कल्चर यह था कि वो हमेशा अपने साथ रख लेते थे जबकि दूसरी जानब आने वाला जो लश्कर था वो मुकम्मल तौर तो पर जंग की तैयारी के साथ मक्का मक्रमा से निकल कर यहाँ पर आया है तो वो जंगी साजो सामान उनके पास मौजूद है और जंग के इरादे से वो आए हुए हैं लेकिन यहाँ पर जब वो पहुँचे हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यादत जिन मुसलमानों को हासिल थी तो वो इस ईमान के साथ लड़ रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मदद फराहम फरमा लेते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कैबी मदद से मुसलमान यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं इस जंग के अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि इस जंग के अंदर लड़ने वाले ज़्यादातर अफराद जो है वो नौजवान हैं नौजवानों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन को इस पहली जंग के अंदर गलबा फरमा रहा है हज़रत हमज़ा को अगर आप देख लें तो हजरत हमज़ा की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है हजरत हमजा जो है वो बावन साल के थे या तिरपन साल के थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र थे तकरीबन मौलाए कायनात के हवाले से अगर आप देख रहे तो मौलाए कायनात की उम्र उस वक्त सिर्फ पच्चीस साल थी और इस जंग के अंदर जहाँ कुफार कुरेश के सत्तर लोग मारे गए बाज़ रवायात के अंदर कि सताईस आपने मारे या पैंतीस को आपने कत्ल किया सिर्फ पच्चीस साल की उम्र में आधे लश्कर के दुश्मन के लश्कर के लोगों को आपने कत्ल किया और बाकी मौलानी सलाम ने जी हाँ तो ये मैं मैं, मैं वो बात ज़रूर सुनना चाहूँगा जी क्योंकि ये देखें इसका एक थोड़ा सा लिंक पीछे जाता है कि उन जो कफार थे जी उन्होंने ये पढ़ रखा था कि एक हैदर आएगा और जब हजरत अली ने बताया था तो वो भागा था कि अब तैयारी पकड़ लो तो ऐसा कुछ था ये मैं थोड़ा सा इस हवाले से जरूर ये इस हवाले से बिल्कुल आपने सही वो उठाया है ये जो हजरत ये खैबर का, का है जी हमें अच्छा, इसी तरह ये खैबर का।, का है ये कहा जी ये सात हिजरी में ये वाक़ पेश आया था कि जब यहूदियों के खिलाफ वहाँ पर यहूदियों के ख़िलाफ़ खैबर में जब ये जंग हुई तो तो वहाँ पर मौल कायनात ने अपने इस लक़ का तस्करा फरमाया था कि मेरी माँ ने हाँ मेरा नाम जो से 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 है वो हैदर रखा है और उसके बाद आपने जो है मरहब का वहाँ पर ख़ात्मा फरमाया था लेकिन यहाँ पर तो आपकी उम्र मुबारक सिर्फ पच्चीस साल है और आप इस मैदान के अंदर जो है इस जान फिशानी के साथ आप लड़ रहे हैं और इस्लाम का दिफा फ़रमाें रसूल अक्रम सम का दफा फरमारें कि कुफार कुरेश के आधे लोग सत्तर में से आपने शहीद कर दिए आपने उसको कत्ल कर दिया अब इस जंग से जो नतज हासिल हो रहे हैं उसको अगर आप देख लें तो देखें इस्लाम और कुफार की पहली जो जंग है तो पहली जंग के अंदर जब मुसलमानों को कामयाबी मिली तो उसका असर पूरे आलाम अरब के ऊपर हुआ बेश मदीन मनवरा के अंदर जो यहूदी थे जिन्होंने अगर चीज दो साल पहले मिसाक मदीना के जरिए रसूल अक्रम सम के साथ एक माहदा भी किया था कि अगर मदीने के ऊपर बाहर से दुश्मनों का अगर कोई हमला होगा तो हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे और जंगी अखराज भी मिलकर बर्दाश्त करेंगे लेकिन इस जंग के अंदर उन लोगों की साजिशें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई खास तौर पर कबीले बनुक़ा के लोगों ने काफ़ी साजिशें भी की जिसकी वजह से उनको सज़ा भी मिल गई तो ये लोग काफ़ी खुश थे कि अब मुसलमान जो इतनी कम तदाद में वहाँ पर गए हैं तो यकीन इस जंग के नतीजे में मुसलमानों का ख़ात्मा हो जाएगा और हजूर अक्रम की हिजरत से पहले जो हमारी एक पोजीशन थी मदीन मनवरा के अंदर एक मजबूत पोजीशन में हम लोग थे यहूदी तो हमारी वो सबका जो स्टेटस है वो बहाल हो जाएगा वो इस उम्मीद में थे और वहाँ पर कुछ ऐसे अफराद भी थे जो कि अभी दायरे इस्लाम में नहीं आए थे और जिसकी वजह से वो लोग भी खुश थे और मक्के के अंदर जो कुफार कुरेश के लोग थे उनके साथ उनका उनकी खत व किताबत वगैरह भी चलती थी वो भी काफ़ी उम्मीद रखे हुए थे कि इस जंग के नतीजे में मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा और जिसके नतीजे में हमारा सबका आबाई दीन जो है इस सरजमीन के ऊपर दोबारा जो है वो ज़िंदा हो जाएगा लेकिन अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त ने जो मदद यहाँ पर फरमाए मुसलमान कामयाब हो गए इस तरह के जो मुनाफिन हैं और इस तरह के जो कुफार हैं जो यहूदी हैं उनकी सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं और जो मुसलमान हैं उनके हौसले बुलंद हो गए और फिर हुजूर अक्रम ने उनके सत्तर को कत्ल करने के बाद सत्तर लोगों को गिरफ्तार भी किया तो गिरफ़्तार जो उसरा हैं उनके हवाले से भी आपकी जो सीरत है वह आज तमाम मुसलमानों के लिए उसमें यकीन एक बेहतरीन नमूना मौजूद हैजूर अकरम सलीलसम उनमें से जो अफराद बड़े कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे और फ़िदिया अदा कर सकते थे आपने उनको फ़दिया ले आज़ाद फरमाया और उनमें से ऐसे अफराद कि जो पढ़े लिखे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे उनकी आज़ादी के लिए आपने ये शर्त रखी कि वो कम से कम दस मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाए दस मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाए मक् मुकरमा और मदीन मनवरा के हालात के बारे में मॉरकिन ने यह बयान किया है कि वहां पर सिर्फ उन्नीस आदमी या इक्कीस आदमी थे कि जो लिखना पढ़ना जानते थे आगाज़ नबूत में उस वक्त था। लेकिन हजूर एक्म सलील वसम ने एक अपनी नबूत के साथ साथ एक इलमी तहरीक भी शुरू फ़रमाए तो आपने माशरे मौ, के अंदर मुसलमानों के दरमियान इल्म को फरोग देने का जो आगाज़ फरमाया उसके नतीजे में आपके रिसाल आ, विसाल के ज़माने तक तकरीबन मदीन मनवरा के अंदर मौजूद ज़्यादातर साहब कराम लिखना पढ़ना जानते थे चूँकि आप ये तालीम दे रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है दस मुसलमान बच्चों को लिखने पढ़ने का वो उसकी शर्त आप रख रहे हैं इससे मैं दो नतयज आपके सामने बयान करना चाहूँगा एक तो ये है कि है अब वो कुफ़ार कुरेश के लोग जो पढ़ाएँगे मुसलमान बच्चों को तो क्या वो कुरान पढ़ाएँगे क्या वो हदीस पढ़ाएँगे जाहिर है अगर वह कुरान और हदीस को मानते होते तो वह काफिर न होते मुसलमानों के मुकाबले में ना आते तो इसका मतलब है कि वक्त इल्म पढ़ाएंगे, जो वो कुछ जानते हैं वही चीज़ वो इनको सिखाएंगे तो इससे एक बात ये सामने आ जाती है हर दौर के अंदर अपने अपने ज़माने में मौजूद जो वक्त उवक् है जो इल्म है वो चाहे जो भी हो उन सब का सीखना सुन्नत नबवी है बाँगा। एक बाँगा। 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 और दूसरा ये इल्म के हवाले से यह है किलम के हवाले से आज जो हम एक तकसीम कर लेते हैं कि ये दुनियावी है दुनियावी अगर आप सीखना चाहते हैं तो कॉलेज चले जाएं, यूनिवर्सिटी चले जाएं और ये दीनी है दीनी तलीम अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो मदरसे चले जाएं। तो ये तकसीम भी हमारी अपनी तकसिम है नबी करीम सलील वसम के दौर में और इस्लाम के इब्तायी दौर में ऐसी कोई तकसीम नहीं थी होता था मौल कायन का एक फरमान भी है कि हमत मोमिन की गुमशुदा मीरा से जहाँ कहीं से भी मिले आप ले लें इसके हकदार मोमिन है इसके हकदार मुसलमान हैं तो इसलिए इल्म के फ़रोग के हवाले से आपने ये कारनामा अंजाम दिया और इससे एक बात ये भी सामने आ जाती है कि हजूर एकम अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि मुसलमान लिखना पढ़ना सीखें बहुत सारे बच्चों ने उस वक्त जो है लिखना पढ़ना सीखा हज़रत ज़ैद बिन साबित के बारे में रवायात के अंदर आता है कि जो बाद में कातबी है वही भी में भी, भी, भी शामिल हो वो इसी दौरान जो है वो लिखना पढ़ना सीखते हैं और बाद में आप सल्लि वम के खास कातबबीन में भी शामिल हो जाते हैं तो जंग बद्र जो है वो वाक़ है कि जिसके जरिए इस्लाम को अल्लाह रबुल्ज़त ने पहली बार फ़तः फरमाई जिसकी वजह से मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए जिसकी वजह से कुफार कुरेश के हौसले पस्त हो गए ये शिकस्त की खबर जब मक् के अंदर पहुँची तो मक् के अंदर कोहराम मच गया मक् के लोगों ने और अबू सफिया जैसा कि उस वक्त वह काफिल थे तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि जब तक इनसे हम बदला नहीं लेंगे उस वक्त तक मैं अपने सर में तेल नहीं लगाऊंगा मैं खजाब नहीं लगाऊंगा और मैं किसी खुशी के फंक्शन में शिरकत नहीं करूंगा तो मक् मुकरमा के अंदर एक गम का एक ग़म की एक फ़ज़ा जो है वो बन गई है वो ये सोच रहे थे कि जो मुसलमान हमारे खौफ की वजह से हमारे वतन को छोड़कर यहाँ से बाग चले थे आज वो कैसे हमारे ऊपर आ गए वो इसका तस्वर भी नहीं कर पा रहे थे लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस्लाम के अंदर आने के बाद जब एक ईमानी ताकत आपके अंदर आ जाती है तो उस ईमानी ताकत के मुकाबले में दुनिया की कोई ताकत जो है वो ठहर नहीं सकती आप लोग जो बात करें ना मैं यही सोचे जा रहा हूँ कि तीन सौ तेरह जी ठीक है अच्छा वो तीन सौ तेरह पूरे भी नहीं गए थे हाँ सौ हजरात गए थे ठीक है अब चले मैं वही बात करें चले तीन सौ पाँच तीन सौ कर लेते हैं तो सामने एक हज़ार है जी आज के दौर में अभी टाइम है भाई तो आज के दौर में हम तीन सौ और हजार सामने हमें पता हो कि सामने वाली ताकत बड़ी है हमारी क्या हालत होती है जी अलावा ने कहा था ना कि फ़जाय बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतारन दर कतार अब भी वाह 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 बदर पैदा तो करना कि अपने अंदर वो जुरत तो पैदा करना हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं राह दिखलाए किसे राह रब मंजिल ही नहीं, नहीं।, नहीं। तरबियत आम तो है जो हरे काबिल ही नहीं जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं कोई काबिल हो तो हम शान कई देते ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते वाह वाह और एक जगह इकबाल ने यह भी कहा कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया ये वादिया नशीन लोग थे साहब क़राम राम कोई अमीर लोग नहीं थे बजायर लेकिन इकबाल कहते कि मैं हैरान हूं कि निकल कर सेहराओं से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया सुना है कुदसियों से मैंने वो शेर फिर बेदार होगा इन यही सूरत हाल जब हम सुनते हैं हजरत मैं सच्ची बात बताऊ मुझे तो सिर्फ ग़ज़ा की जो सिचुएशन है ना वो सामने आती है उस वक्त भी ये सवाल उठा कि जब ये करबला का वाक़ हुआ उस वक्त के मुसलमान क्यों चुप थे ये सवाल भी उठा ये उठता है सवाल कि उस वक्त भी तो मुसलमान चुप थे बिल्कुल ऐसे आज करबला का वाक़ हुआ ग़ज़ा का बिल्कुल वही वाक़ करबला के हवाले से जो सवाल में उठते थे उसका जवाब मिल रहा है कि वाकई करबला के दौरान भी यही हुआ था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी ख़ानदान रसूल के लोग यहाँ पर करबला के सहरा के अंदर गिरफ़्तार हो गए तो एक सवाल जहनों के अंदर फ़ौरन पैदा हो जाता है कि उस वक्त बाकी मुसलमान कहाँ थे बिल्कुल व बचाने के लिए क्यों नहीं आए आज जो मुसलमानों के दिलों के अंदर अलैहिस्सलाम के हवाले से जो एक मोहब्बत है जो एक अकीदत है जो एक मददत का जज्बा है उस वक्त के लोगों के दिलों के अंदर नहीं था या अगर था तो वो कहाँ पीछे छुप गया था कि जिसकी वजह से ये यजीदी आ रहे हैं और वो इमाम अलैहिस्सलाम को सिर्फ शहीद नहीं कर रहे बल्कि उनको शहीद करने के बाद सरों को तन से जुदा कर रहे हैं और उनके मुखदरास्मत वहारत को गिरफ्तार करके कोफा और कोफे से शाम ले जा रहे बाकी सारे लोग तमाशा देख रहे हैं जिन जिन इलाकों से गुजार कर वो काफिन को लेकर जा रहे थे उन वो सारे के सारे इलाके मुसलमानों के थे लेकिन लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे आज अफा के अंदर यही हो रहा है वो खत लिख कर बुलवा खत लिख कर भी बुलाए किए थे कहा था हमारी जाने आपको हैं जी और उसके बाद जब इमाम के लुटे हुए काफिले को वहाँ कोफा जाता है शाम में जहाँ पर लार्फत भी है वहाँ पर बाजारों को सजाया जाता है और उनका इस्ते किया जाता है उनके तो ये गजा की सूरत हाल भी आज ऐसी है लाहौर वाले इंतज़ार कर रहे हैं अवतार का चलें जी लाहौर की अजान सल्वी सल्वी अब हम शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा जी आज के दिन के हवाले से यम बदर के हवाले से काफ़ी अच्छे काफी अच्छे पॉइंट्स आए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई मैं चाहता हूं आप भी अपना हिस्सा जो है वो इसमें शामिल कर लें बिस्मिल्लानरिम नहमदून वसलम अला रसूल करीम वबाद गजवा बदर योमुर्कान है यानी हक और बातिल के दरमियान फैसला कन दिन कुरान करीम को भी अलफुर रब त ने फरमाया है ये भी हक और बादल को जुदा कर देता है जिस कुरान की खातिर नबी करीमल व मदीना हजरत फरमाई उसन की आबियाारी और उसान की नशर वशात की राह में रुकावटें मुसलसल की जा रही थी उन्हीं रुकावटों को दूर करने के लिए एक महाशी प्रेशर के लिए हजूर वसल्लम मदीने से निकले और जो अफराद थे तीन सौ तीन सौ पंद्रह तीन सौ चौदह तीन सौ तेरह और उनमें वो लोग भी थे जो मदीना यानी मदीना से पहले जो यसरब नाम था वहाँ जर्द बुखार के सताए हुए इंतहाई कमज़ोर नहीफ़ और लागर फिर वो भी थे कि जिनकी उम्रें कम थीं वो भी थे जिनकी कमरें झुकी हुई थीं और यहाँ वो दो बच्चे भी थे जो माद और मुआवस के नाम से तारीख में याद किए जाते हैं जो दोनों भाई थे और दोनों अपनी एड़ियों के ऊपर करके पंजों के बल खड़े होकर मुकाबले तन पेश कर रहे थे कि मैं इससे बड़ा हूँ और मैं इससे बड़ा हूँ उदूर ने फरमाया कुश्ती लड़ लेते हो लड़ लो जो बड़ा होगा उसे ले जाएंगे जो ताकतवर होगा तो एक ने जो छोटा था अपने भाई के कान में कहा कि भैया तुम तो हो बड़े तुम्हें तो ले ही जाएंगे अगर तुम झूठी मूटी मुझसे शिकस्त खा लो तो मेरा भी काम बन जाएगा आए, आए। और वो दोनों लड़ाई लड़ते हैं और छोटा उन पर हावी हो जाता है जब न मैदान जंग में पहुँचते हैं यहाँ मैं जाने से पहले पीछे एक नक्शा खींचता हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब कराम से मशावरत फरमाई और अपना खेम एक जगह पर लगाया तो एक सहाबी उठे जो बामुश्किल चौबीस पच्चीस साल के सहाबी थे उन्होंने कहा यार रसोल्ला आपने ये अल्लाह के हुक्म से यहाँ खेमा लगाया है आपने फरमाया नहीं ये हमारी तरकीब है और जंगे तो तरकीबों से लड़ी जाती हैं उन्हें यार यारसूल्ला मेरी मशवरा यह है कि आप खेमा वहाँ लगाएँ जहाँ ऊपर कुएँ हैं क्योंकि उस तरह से हम मशरकिन को पानी से भी दूर कर सकते हैं और नीचे अगर बारिश हुई तो वहाँ पर खुश्की रहेगी और यहाँ दल दल हो जाएगी नबी अगर ने उनको दुआ दी और उनका मशवरा कबूल किया सात सात बिन माज नबी करीम सर वल्लम ने वहाँ पर अपना खेमा भी लगाया फिर सात बिन माज़ ने ही आप लिए अरीश भी कायम किया कि या रसूल्ला आप के लिए मैं ये एक खेमा बना रहा हूं आपने यहां से निगरानी करनी है हदूर <स्थाथ> करीम वम नीचे उतरते हैं लेकिन उससे कबल आप रात की तारीकी में सजदा करते हैं Allah. और ऐलान करते हैं कि यहां कोई नहीं आएगा अगर किसी को आना ही हो तो अब बकर आ सकते हैं जो जुमेर में राज भी हैं साहिब यानी ग़ार भी हैं और बाद में साहिब मजार भी हैं आप अल्लाह ताला को सजदा करते हैं और तवील सजदा करते हैं और फिर अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के वादे याद दिलाते हैं आए कि अल्लाह वो वक्त आया आए है आए कि तू अपने वादे, वादे, वादे को पूरा कर अल्लाह आज ये मुट्ठी भर लोग हलाक कर दिए गए तो फिर क्यामत तक इस रूए जमीन पर तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा और फिर आप इतना रोते हैं इतना रोते हैं कि आपके शान मुबारक से वो जो कमली है काली कमली या यूहल मुजम्मिल या यूहल मुद्दसर कह के जिसे कुरान में मुखातिब वो सिरक जाती है और आपके रोने और बिलकने की वजह से वो गिर जाती है अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ लाते हैं चादर उठा कर आपके कानों पर रखते हैं आपको तपाते थप, थप, हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह बस कर दीजिए आपकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं फ़रमाएगा फिर आप बाहर तशरीफ़ लाते हैं और मैदान उस जगह पर जहाँ पर गजवा होना है आप वहाँ जाते हैं और अपने भाले से आप निशान लगाते हैं और फरमाते हैं यहाँ अबू जहल गिरेगा यहाँ अतबा गिरेगा यहाँ शैबा गिरेगा और फिर सहबा कराम बताते हैं जब मैदान जंग का मार्का ख़त्म हो गया हमने देखा जिस जगह आपने निशान लगाया था उससे एक इंच भी आगे पीछे नहीं था उनकी लाशें उन्ही मकाम पर गिरी हुई थी और आप ये देखिए फैसल भाई नबी करीमल व् जब मैदान जंग में आप शरीक हैं और आपके सिहबा कराम शरीक हैं अल्लाह रबू अराम ने उसी मौके पर जब आप सजदे में थे आपको ये बशारत दी थी कि तजाब अलकुम फश सजाबलकुमी बल्फिमर्दफीन तुम्हारा तुम्हारी दुआ कबूल कर दी गई अल्लाह की तरफ से एक हज़ार निशान जदे पे दर पे फरिश्ते उतरेंगे लेकिन फिर जब आपको यह मोजा भी आता हुआ कि आप अपने हाथों में कंकरियाँ उठाइए और कंकरियाँ दुश्मन के लश्कर पे फेंकी है आप तीन सौ हैं वो आपसे तीन गुना ज़्यादा हैं एक हज़ार की तादाद में हैं लेकिन वो आपके इन कंकरियों के फेंकने से हर हर कंकरी का जो ज़र्रा है वो उनकी आंखों में जाएगा और वो हवा बात हो जाएंगे और कुरान क्या कहता है वमा रमयी था और आपने नहीं फेंकी थी इज रमाय था जब आपने फेंकी थी वला रमा लेकिन वो ताकत कुत वह अल्लाह आलमीन ने पैदा फरमा दी थी और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमान से मलाइका उतरते हैं साहबा कराम कहते हैं मैंने अपनी तलवार खींची और देखा वो शख्स जो दुश्मन था वो गिरा पड़ा है मैं अभी उसको मारना चाहता था और देखता कि वो गिरा पड़ा है वजूर एक ने फरमाया वो अबू जहल को जो तुम्हारे दुश्मन थे अबूलाब अदबा थे शैबा थे इन्हें अल्लाह के फरिश्ते उतर कर जबरीले अमीन मार रहे थे अल्लाह के फरिश्ते उतर कर उनसे तुम्हारे साथ खड़े होकर कताल कर रहे थे और यही एक वो वाक़ हुआ कि जब माज और मुआवज़ अपने चचा जान से कहते हैं कि ज़रा मुझे बताइएगा अबू जहल कहाँ है वो हैरान होकर देखते हैं कि यमीन और यसार दोनों बच्चे खड़े हैं जबकि कोई मजबूत तंदोमंद बहादुर जवान खड़ा होता कहते हैं बेटा तुम्हें उनसे क्या करना है वो खड़ा है बैठा है घोड़े पर दोनों बर्फ़ रफ्तारी से लपकते हैं एक घोड़े की टांगों तांग के ऊपर वार करता है अबू जाल नीचे गिरता है दूसरा उसकी गर्दन को मारने के लिए उसके सीने पर चढ़ जाता है और फिर वो कहता है कि ये कौन मुझे कत्ल कर रहा है और फिर जब उसको कत्ल किया जाता है तो वो हजरत माद और मुआवत इस मार्के में हाल ये होता है कि एक हाथ कट जाता है और वो अपना एक बाजू अपने पैर के नीचे रखकर झटका देख के अलग करते हैं कि जो मेरे जिसम का हिस्सा मेरे नबी के दुश्मनों से लड़ने में रुकावट बनेगा उसे भी मैं जिसम के साथ रवा नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरे नबी को गालियां देता था नबी का दुश्मन था नबी करीम अब मैदान जंग जो है वो आप तलाश कर रहे हैं कि जो हमारे साहबा हैं जो दुश्मन हैं उन्हें कैद कुछ को कैद किया गया है कुछ को फिर उस कुएं में डाला जा रहा है जिस कुएं के अंदर आप फिर खड़े होकर कहते हैं कि तुम तो अपने अंजाम को पहुंच गए अपने अंजाम को तुमने देख लिया मैं सच्चा नबी था मेरे वादे सच्चे तुम्हें नजर आ गए हज़रत उमर फारूक फारूक़ी अल्लाह तन खड़े या रसोल्ला आप मुर्दों से बात कर रहे हैं ये भला कहाँ सुनते हैं फरमाया तुमसे ज्यादा भी इस वक्त अच्छी तरह सुन रहे हैं अल्लाह जिसको सुनाना चाहे सुना सकता है मुस्मिन कबूर तुम थोड़ी सुना सकते हो अल्लाह सुनाना चाहे तो सुना सकता है Allah. और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके बेटे अब्दुलरहमान शरीक थे गजवा बदर में काफिरों की तरफ से जब मुसलमान हो गए तो एक दिन कहने लगे बाबा जान आप गजवा बदर में कई मतलब मेरी तलवार की जद में आए लेकिन मैंने घोड़े का रुख फेर लिया हजरत अबू बकर ने फरमाया बेटा तू खुश नसीब था रफ्त ने तेरे नसीबे में इस्लाम लिखा था मोहम्मद करीम की गुलामी लिखी थी वरना अल्लाह की कसम जिसने मोहम्मद करीम को नबूवत सच्ची देकर भेजा है अगर तू एक मरतबा भी मेरी तलवार की जदत में आता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ा क्योंकि अलहब्बो फिल्लाफिल्ला हमारी मोहब्बतें भी अल्लाह रसूल की खातिर हैं हमारी नफरतें और अदावतें भी अल्लाह रसूल की खातिर हैं और ये तो शरीय ने जो हफीज अलंधे नक्शा खींचा था ना कि शरीयत के हाथों में थी बाघ उनकी खुद ब खुद भड़कती न थी आग उनकी जहां कर दिया नरम नरमा गए वो भाँ भाँ। जहां कर दिया गरम गरमा गए वो वो अपने लिए नहीं लड़ते थे वो अल्लाह के दीन के लिए लड़ते थे देश्च, और देश्च, जब अल्लाह के दीन को मतमाए नजर बनाकर मुंतहाए निगाह बनाकर जब कभी कोई मैदान में आएगा वो हजरत दाऊद और ताल और जालूत का मार्का हो तब हक को फतह होगी वो नबी करीम की क्यादत में बताए बदर हो तब फतेह होगी क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है कमफन खलील गलबन कशीरतन बार बारहा मरतबा ऐसा हुआ कि मुठ्ठी भर लोगों को अल्लाह ने बहुत बड़ी तादाद पर फतह दी क्योंकि वो ईमान था और अलाम इकबाल ने कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा मोमिन है तो बे भी लड़ता है सिपाही मोमिन का तेग पर मोमिन का तलवार पर भाले पर इन सवारियों पर इन इसबा पर नजर नहीं होती वो मुसब्बबुल मुसब्बुल पर निगाह रखता है या मुसबल सबबा सब सब लहू तलबा हमारे पास ताकत नहीं आज गजा के मुसलमानों के लिए हमारे पास ताकत नहीं आज पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुत नहीं लेकिन हम अल्लाह तुझसे उम्मीद नहीं है ला तक नहमत अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना अल्लाह के दरवाजे पर उस दरवाजे पर दस्तक देने को कहा गया जो दरवाजा कभी बंद ही नहीं होता दस्तक वहां दी जाती है दरवाजा बंद हो जाए वो दरवाजा तो हर वक्त अपने बंदों के लिए खुला रहता है वो रात दिन आवाज लगाता है कोई मदद मांगने वाला आके मदद मांगे आज जरूरत इस बात की है जो चाह था कि फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी अब भी अगर वही ईमान पैदा हो जाए फाइन आ बनू बेमिस्लिमा आमन तुम भी फ़क़ा दे कुरान ने कहा था कि अगर कयामत तक आने वाले मुसलमान भी नबी करीम के सहाबा की तरह ईमान ले आए तो हिदायत पा जाएंगे नुसरत पा जाएंगे फतेह पा जाएंगे मंजिल पा, पा जाएंगे आज उस ईमान की ज़रूरत है उस जज्बे की ज़रूरत है जो आज हमें हम से मफबूद हो गया लेकिन आप ही की बात आगे बढ़ाता हूँ कि इन शाह वो वक्त आएगा वह अंतमिला अंतमल वह इनशा 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 लाकबर ला यूसुफा को जब ले गए अंदर कमरे में और सातों के साथ दरवाजे बंद थेबर तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस गुनाह से बचने के तो लिए ज़ुल्ख जब भागे दरवाजे बंद थे पता था दरवाजे बंद हैं कुंडे लगे हुए हैं लेकिन वह भागते गए अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह एक एक दरवाज़ा खोलता चला गया वाह वाह यकीन कामिल यकीन अमल क्या क्या यकीन यकीन मिसले खलील आतिश नशीनी यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी सुन ए तहदीब हाजिर के गिरफ्तार गुलामी से बदतर है बे यकीनी यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फात है आलम जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है एक बार मैं, मैं थोड़ा सा एक अर्ज करूंगा यकीन की बात आई तो मुझे आज सत्रह रमजान मुबारक है और आज कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम इंकलाब अशअ इमाम अहमद रानी सिद्दीकी साहब रहीमा का भी आज योम विलादत है सत्रह रमज़ान मुबारक आपने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का नेटवर्क कायम किया कमो बेश पूरी दुनिया में वर्ल्ड पाँच हजार मसाजिद आपने तामीर की एक मस्जिद हमसे नहीं समझती और पूरी दुनिया के अंदर आपने वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के नाम से पूरी एक तहरीक चलाई और आपके कमाल ये था कि आप सत्रह जबानों पर कामिल अबूर रखते थे यकीन की बात की आपने तो मुझे ये बात याद आ गई तो आपसे पूछा गया इतना कुछ कैसे किया तो आपने रिशात फरमाया कि मुझे अल्लाह की अल्लाह जल्ला मजदूल करीम की ज़ात पर कामिल यकीन था और नबी पाक अली पाकलीसतूसलम के दीन की हक्कानी हक्कानियत पर कामिल यकीन था इस वजह से मेरे पूर, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस्लाम का पैगाम पहुंचाया और इस्लाम का झंडा मैंने पूरी दुनिया के अंदर गाड़ा मैं गया था 92 की बात बता रहा हूं आपको तनजानिया वहाँ पर मुझे एक इलाके क्रियाको में ले जाया गया और वहाँ मस्जिद इजरीसिया कायम थी वहाँ पर और वहाँ पर साहब करामवान की आल ओलादें वहाँ पर थी मौजूद और उनको सिर्फ़ अरबी आती थी या सहेली जबान आती थी तो मैं इसी तरह तो जुब्बे गुब्बे में था तो गए पता चला जी पाकिस्तान से आया जी मैं तो एक कहता पाकिस्तान अलबाकिस्तान हाँ नूरानी शाह नूरानी मियाँ का शहर से आया कराची से आया कोई मेरा अमामा चूम रहा कोई मेरी चादर चूम रहा, कोई मेरे कपड़े चूम रहा मैंने कहा क्या मुतरानी साहब के शहर से हो ये सारे नूरानी साहब और साहिमा बात कर रही हूँ जी सामा जी फैसल भाई बस मेरा तमाम सवाल है जैसे माँ बाप का रिश्ता है बहुत बुलंद है बहुत दर्जा है बहुत वो है लेकिन कहीं कहीं वो लोग भी कहीं गलत होते हैं लेकिन ये है क्या हम उनसे नाफरमानी नहीं कर सकते बदतमीजी नहीं कर सकते तो मतलब किस उसमें किस तहजीब के दायरे में रहकर हम उनको ये बात मतलब समझा सकते हैं कि नहीं आप यहाँ पे गलत हैं बस ये मुझे पूछना है क्या हम कर सकते हैं बात इतनी बातन से अपनी ग्राम बता सकते हैं भाई मैं तो इसमें वालदे से यानी अदब नंबर एक तो वाले अगर गलत हैं भी ना तो उनको समझाने के लिए मैंने दिन वाक़ सुनाया था री के दोनों शहजादों ने कहा कि आप हमें देखें हमारा वजू कैसा है, गलत, किसका है। तो पता दोनों का, सही था, वो बाबा जी का ही गलत। लेकिन देखें, इनका जो कहना है, वो उसमें एक बात ये भी एक होता है ना सख्ती नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है हम तो ये करेंगे भाई आज हमेशा से करते हैं जी कुरान करीम के अंदर वाले के एहतराम और उनकी अजमत और इसके हवाले से कई आयात करीमा है वबिल वाले अहसाना तो के बाद अल्लाह रबुजत ने वाले के एहतराम का हुक्म दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर एक और बात जो पेश नज़र रखनी चाहिए वो यह है कि वालदे का एहतराम उस वक्त तक है जब तक वो अल्लाह रबुजत के हुक्म के मुकाबले में आपको कोई और हुक्म ना दे दें अगर हुक्म इलाही के मुकाबले में उनका अगर हुक्म होगा तो वहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म को मानना है वालदे के हुक्म की फरमान बरदार वहाँ पर वाजिब नहीं है फिर भी वालदे की बेहतरामी ना करें आप लेकिन अगर वो आपसे ये कहते हैं कि रोज़ा ना रखें आमतौर तो पर यूनिवर्सिटी के अंदर भी कई दफ़ा इसी तरह हुआ है कि बच्चे आते हैं बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें मना किया वो कहते हैं बेटा आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं आप रोज़ा क्यों रख रहे हैं आपको भूख लगेगी आपको प्यास लगेगी तो वहाँ पर भी कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो आपको शिरक की दावत दे दें वालदे तो वहाँ पर उनकी बात नहीं मानी तो रोज़ा हो नमाज हो ये वाजिबात और फ़राइज़ अल्लाह रबुलज़त का हुक्म है अल्लाह ताला के हुक्म के मुकाबले में वालदेन का हुक्म दे दें तो उनकी इतात यहाँ पर वाजिब नहीं है इसके अलावा बाकी उमूर ज़िंदगी के अंदर उनकी इतात वाजिब है वालदेन के साथ अदब और मसला यही याद है ना हमारे यहाँ बच्चों को अदब और एहतराम नहीं आता तरीके से ज़रा तरीके से बात कर करें माँ बाप के सामने हाथ जोड़ दें उनके हाथ पकड़ के चूम लें अब माँ मेरी माँ मेरी जान मेरी समझा ना ना समझाए ये, तो ये, ये लिखा हुआ कुरान आ, में जी आ, ये देख रहे ये अदीस है ये आप ये कल्चरली आप बातें कर रहे हैं वो ठीक है वो कल्चर है लेकिन ये देखें जी असल चीज़ तो ये है थोड़ा मतलब प्यार से आपस में दोस्तों में भी मेरे ख्याल से ये चीज़ अगर इस तरह से पेश की जाए मैं आज यही आप लोगों से भी कहने वाला था आज के हवाले से भी कि जो एक अफरा तफरी मची हुई है आपस में लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ बात करें बिकॉज हर बंदा किसी ना किसी बात पर लड़ ही रहा है इस्पेशली अगर हम उलमाए कराम की भी बात करते हैं उलमाए कराम की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं पहले तो ये कम होता था लेकिन ये अब ज़रा ज़्यादा हो गया तो आ। थोड़ा सा आप लोग रिक्वेस्ट करें एक अच्छा प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा उस पर बैठ के बात करें समझाएं असल में बात ये है फैसल भाई कि ये जो उलमा हैं या रहनुमा हैं इनकी ड्यूटी है अवाम की राय बनाना राय जहन साजी करना लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये अपने मुरीदीन की या अपने जो उनके सामीन हैं या नादरीन हैं या इनके फॉलोवर्स हैं उनके दिए हुए एजेंडे पर चल रहे हैं कि अवाम क्या पसंद करेगी वो उनको सुनाने की कोशिश की जा रही है आवाम का मुतालबा क्या है उसकी डिमांड क्या है बजाय इसके किम को समझाया जाए कि अपनी डिमांड दुरुस्त कीजिए आवाम को बताए जिस तरह मीडिया जो आवाम देखना चाहती है वो दिखाया आ, दिखाना पसंद करता है तो मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम की जहन शादी करे कि जो आप देखना चाहते हैं वो देखने की चीज़ नहीं है जहन शादी जब होगी तो पता चलेगा कि ये असल में है जो आपको करना चाहिए और अगर मैं चार बजो हमें इस वक्त जाना है बस तैयारी शुरू हो रही है और कराची में और उसके मजाफात में अजान का वक्त हो रहा है सो उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे स्पॉन्स का ओ डेवलपर्स जिनका कहना है क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसेस आर इंस्पायर एंड एलिवेट वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा होटाइल का खालिश्स का पंजनत बाय जे डॉट का शुक्रिया हरबियॉन uh, का शुक्रिया कोइस और एट्रियम मॉल का शुक्रिया हैप्पी डोनट्स का भी आज शुक्रिया मेरे लिए डोनर्ट्स भेजे आप लोगों ने थैंक यू सो मच और uh, उनका भी शुक्रिया जिन्होंने आज बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर खाने बनाए आप लोग अफ्तार में इंजॉय कीजिएगा मुझे आज निकलना है तो मैं uh, बस अभी uh, ब्रेक के बाद शायद यहाँ नजर ना हूँ परेशान नहीं होना कि मैं कितने दौड़ गया मैं कल फिर मिलता हूं आपसे ब्रेक के बाद मुलाकात हो रही है अजान पे दुआ कर लेते हैं या رب لك الحمد عم. كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك عم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والاکرام اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وسل عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم الألف على الخير بين قلوبنا وأسلح ذات بيننا واهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن Hado